ये जो है छोटी सी टॉपिक है, इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्या दिया है? डिस्पर्सिव पावर अगर हमको निकालना, क्या है डिस्पर्सिव पावर? तो डिस्पर्सिव पावर तो देखिएगा, डिस्पर्सिव पावर सबसे पहले हम लोग जानते हैं, अगर व्हाइट लाइट प्रिज्म पे पड़ेगी तो पड़ने पे क्या होगी, सेवन कलर में क्या होती है, स्प्लिट कर जाती है, जिसमें सबसे नीचे आपका वायलेट होता है, सबसे ऊपर क्या होता है, रेड होता है। एक मीन वैल्यू आती है जिसको, इसमें इसी से मैं दिखा दे रहा हूँ, एक मीन वैल्यू आती है जिसको बोलते हैं येलो, ठीक है, येलो कलर की आती है, ठीक है। तो येलो कलर अगर हम लोग बोले, येलो कलर का जो डिस्पर्सिव जो मिनिमम डेविएशन होता है वो कितना होगा, एन वाई माइनस वन और यहाँ पे ए हो जाएगा। तो डिस्पर्सिव पावर क्या होता है? तो डिस्पर्सिव पावर का मतलब द रेशियो ऑफ, ठीक है, डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, द रेशियो ऑफ क्या हो जाएगा, एंगुलर क्या होगा, एंगुलर डिस्पर्सन अपान जो है मीन, जो है मीन डेविएशन। अगर हम लोग को डिस्पर्सिव पावर दिखाना है, पावर दिखाना है, तो इक्वल कितना हो जाएगा, मीन क्या एंगुलर ये हो गया, एंगुलर थीटा अपान कितना हो जाएगा, डेल वाई हो जाएगा। मतलब थीटा की वैल्यू एन बी माइनस कितना हो जाएगा, एन आर हो जाएगा, और यहाँ पे ए अपान इसकी जो वैल्यू हो जाएगी तो एन वाई माइनस वन और यहाँ ए हो जाएगा। तो ए से कैंसिल होके हमारा एन बी माइनस एन आर अपान कितना आ गया, एन वाई माइनस, ये आपका हो गया डिस्पर्सिव पावर। क्या हो गया, एन बी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस वन, तो इसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। इसका मतलब ये हुआ, डिस्पर्सिव पावर आपको निकालना है तो मिनिमम डेविएशन का डिफरेंस निकाल लीजिए वायलेट इंटू रेड, और अपान कर दी क्या, मिनिमम डेविएशन आप किसका, येलो कलर की लाइट का, क्योंकि मीन कलर बोलेंगे या येलो कलर की लाइट से जब डिवाइड करें तो ये डिस्पर्सिव आपका पावर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि डिस्पर्सिव पावर कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, कैसे अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, आपका डिस्पर्सिव पावर आ जाएगा। ठीक है, आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो इस पे न्यूमेरिकल छोटे छोटे आते हैं तो हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। आइए जो है देखते हैं कि आपका जो है एंगुलर डिस्पर्सन कैसे होता है, मतलब डिस्पर्सन कैसे होता है। तो हम लोग जानते हैं डिस्पर्सन का मीनिंग होता है कि जब क्या करते हैं, लाइट अगर प्रिज पे इंसिडेंट कर देते हैं तो ये क्या करती है, जो वाइट लाती है लाइट होती है, डिफरेंट कलर की लाइट में ये स्प्लिट हो जाती है, इसी फेनोमेना को बोलते हैं डिस्पर्सन, ठीक है। और जो लाइट ब्रेक होती है उसको बोलते हैं स्कैटरिंग या बैंड ऑफ लाइट होता है, जिसमें इसका नाम होता है बिबग्योर, बिबग्योर नाम होता है, बी मतलब वायलेट, आर का मतलब रेड होता है, ठीक है। ये रेड हो गया और ये वायलेट हो गया, और इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये इस तरीके से कलर होते हैं, तो ये बिबग्योर हो गया। तो जब ये लाइट, वाइट लाइट किस पे, प्रिज्म पे पड़ेगी ऐसे जाके, तो ये क्या करेगी, डिफरेंट कलर में ब्रेक हो जाती है, जिसमें इसमें दो ही दिखाया गया है, वायलेट और रेड कलर पीछे का। अब इन दोनों को हम लोग ऐसे ऐसे प्रोड्यूस करते हैं, इसको ये प्रोड्यूस कर देंगे तो ये जो यहाँ पे मिलेगा उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर हमको दिखाना थीटा इक्वल टू, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट का ज़्यादा होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका होगा, रेड का हो जाता है कम, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होगा, तो वायलेट का, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा है और एंगल रेड का कम बन जाता है। तो अब हम लोग जानते हैं मिनिमम डेविएशन के लिए, जो मिनिमम डेविएशन किसका है, तो फार्मूला अगर लिखें तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हमारा होगा n किसके लिए लिखें, तो ये फार्मूला n माइनस वन इंटू ए हो जाता है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिए, ये तो मान लिए सो दिखाने के लिए। अब इसके बाद मिनिमम डेविएशन किसके लेते हैं, वायलेट के लिए लेते हैं, तो यहाँ एन बी माइनस वन यहाँ पे ए हो जाएगा, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। फिर डेल आर के लिए लेंगे तो यहाँ पे एन आर हो जाएगा और माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पे ये आ गया आपका सेकेंड थर्ड इक्वेशन। इन दोनों सेकेंड और थर्ड को उठा के फर्स्ट में रख देंगे तो थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा, तो एन बी माइनस वन और यहाँ पे ए, फिर माइनस रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा,
एन आर माइनस वन यहाँ ए हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू अगर सॉल्व करनी है तो एन बी माइनस कितना हो जाएगा, एन आर हो जाएगा और यहाँ पे ए हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस ए, प्लस ए कट जाएगा तो आपके पास बच गया कितना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपने देखा कि एन बी माइनस एन आर और यहाँ पे किस पर डिपेंड कर गया ये, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर गया, रेड और वायलेट के जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड वायलेट और यह इस पर डिपेंड कर गया, तो ये आपका क्या हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाती है। इस तरीके से अगर आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके का आप देखने को मिल जाएगा, आप कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल आएगा तो इस पर आप इजीली सॉल्व करके लगा सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, ठीक। देखिएगा ये क्वेश्चन जो है आपका 2010 में, देखिए ये 2010 में आपका सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है, तो देखिएगा क्वेश्चन को समझते हैं और क्वेश्चन को करते हैं किस पे है, तो हमारा आपके लेंस मेकर फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। देखिएगा क्या है, द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ है डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस का जो रेडियाई है वो 10 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 12, उसका फोकल लेंथ भी दिया है 12 सेंटीमीटर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, जो जिस मटेरियल से मिलकर लेंस बना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा इसमें हम लोग को करना क्या है, R1 की वैल्यू जो होती है मैंने जब प्रूफ किया तभी बताया था, R1 की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो गई 10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव हो जाएगा, और R2 की जब वैल्यू आप लेंगे तो -50 सेंटीमीटर आप लेंगे निगेटिव में, ठीक है। यहीं पे बच्चे गलत कर जाते, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं और यहीं पे मिस्टेक हो जाता है, सॉल्व नहीं कर पाते, यही बड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स है तो प्लस होगा ही 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग जानते हैं लेंस मेकर फार्मूला होता है 1/f = n-1 और 1/r1 - 1/r2, ये हमारा लेंस मेकर फार्मूला होता है। अब 1/f की जगह हम लोग रख लेते हैं वैल्यू 1/12 लिखना है, ठीक है, और इक्वल टू n-1 और यहाँ पे हम लोग रख देते हैं 1/10 - 1/ कितना है 15, और जैसे ही माइनस लिखेंगे यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है, जैसे लिखेंगे माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। अब लिखिए 1/12 = n-1, इसको कर लीजिए सॉल्व एलसीएम उल्सीम लेके, तो इसका एलसीएम कितना आएगा आप देख ही रहे हैं, 30 हो जाएगा, 15 × 30 और 10 × 30 और 15 × 30 ये हो गया। तो 1/12 = n-1 और यहाँ पे आपको मिल गया 5/ कितना मिल गया 30 और इसको आप काटेंगे तो आएगा आपका 6। तो 1/12 = n-1 और आपका ये हो गया 1/6, आया समझ में। अब क्या कहें, इस 6 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे या इसको, तो आपका मिल जाए कितना, तो n-1 = 6/ कितना होगा 12, 6 जब ये काटेंगे तो आपको बचेगा 1/2, सही है। फिर ये क्या करेंगे इधर, तो n की जो वैल्यू होगी जब ये डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो 1+ ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो n = ये माइनस इधर आ प्लस हो गया, और हम लोग जानते हैं कि 1 को 0.5 लिख सकते हैं, तो अब इसको ऐड करेंगे तो 1.5 एग्जैक्ट, देखिए ये आ गया हमारा 1.5, जो हम लोग जानते हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। तो आपने देखा इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ सकते, ठीक है, आया देख लीजिए आप ध्यान से, कोई डाउट नहीं, कोई कुछ भी नहीं है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं, बस ये पेपर में आया वो आप जो है अपनी कंटिन्यूटी हमारी वीडियो में बनाए रखिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और दोस्तों में, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ये जो है देखिएगा
ऑप्टिक्स के बाद जो उस पर न्यूमेरिकल, आइए हम लोग लेंस मेकर फार्मूला पे कुछ न्यूमेरिकल है आइए देख लेते हैं। तो देखिएगा जो पेपर में आए हुए हैं, तो देखिए क्या है, डबल कॉन्वेक्स लेंसेस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। ठीक है, क्या दिया है कि डबल कॉन्वेक्स लेंसेस क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम क्या है, ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55, बोथ फेसेस ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का क्या दे दिया, सेम दे दिया। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर इफ द फोकल लेंथ इज टू बी 20 सेंटीमीटर, मतलब कि कैसा रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका बनाया जाए, कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा कि जो फोकल लेंथ हो कितना 20 सेंटीमीटर हो। तो ये हमारा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। तो आइए देखिए इसमें हम लोग इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन ले लेते हैं क्या है। तो देखिए इसमें क्या दिया हम लोग का, आर वन की जो वैल्यू है वो कितनी है, आर है, और आर टू की जो वैल्यू है वो कितनी है, माइनस आर है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका दे रखा है 1.55 और उसके बाद फोकल लेंथ आपका है प्लस जो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर लेंस मेकर फार्मूला अगर लगाएंगे तो 1/f=n-1 और यहाँ होता 1/r1-1/r2, ये हो गया लेंस मेकर फार्मूला। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, आगे हम लोग क्या करेंगे, अब देखिएगा यहाँ 1/20 लिख देंगे और इक्वल टू n-1 की वैल्यू भी हम लोग रखेंगे, तो 1.55-1 और यहाँ पर जब रखेंगे तो 1/r और इसकी वैल्यू जब रखेंगे प्लस 1/r हो जाएगा। तो 1/20 इक्वल टू यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.55 बच जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/ कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, अब आर को यहाँ कर दे, 20 को यहाँ कर देंगे तो हम लोग अगर आर इक्वल टू लिखेंगे, ठीक है, तो अगर यहाँ आर इक्वल जब इसमें लिख देंगे तो कितना होगा, 0.55 मल्टीप्लाई ये 22 या 40 हो जाएगा। तो R इक्वल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग यहाँ कर लेते हैं 55 में 4 से कर लेते हैं, 4 × 25 = 20 और 20 × 2 = 22 हो गया, और यहाँ पे और एक जीरो यहाँ वाला बढ़ा देंगे तो कुल मिला के कितने अंक पे, डेसिमल 2 अंक पे, तो आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। इसका मतलब है जो हमारा लेंस होगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितने सेंटीमीटर होगा, तो दोनों 22 सेंटीमीटर, अगर 22 सेंटीमीटर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा तब जाके हम लोग का जो फोकल लेंथ होगा वो 20 सेंटीमीटर का बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए जो है हम लोग देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्लास 10th और क्लास 12th के लिए दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर न्यूमेरिकल भी आपका आ जाता है कभी कभी। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इमेज फॉर्म होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग डेंसर मीडियम में रखेंगे। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखें और रेयरर मीडियम से उसको हम लुक करें, देखें, सीन करें, तो हम लोग को जो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है एक्चुअल डिस्टेंस से ऊपर होता है, मतलब एक्चुअल साइज से स्मॉलर साइज पे दिखता है। ठीक है, जैसे कोई चीज़ अगर हम डेंसर में रखते हैं तो ऊपर से अगर देखेंगे तो हम लोग को लगेगा कि ये क्या है कि जितनी एक्चुअल नीचे उसका साइज होगा उससे थोड़ा ऊपर साइज पे दिखेगा। तो ये होता है क्या, तो यहाँ क्वेश्चन है रियल एंड अपरेंट डेप्थ और नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे हमने किस कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्वाइन हो गया, फिश हो गया, ये यहाँ पे मान लो है ओपे। ठीक है, अगर हम लोग ऊपर से इसको देखेंगे यहाँ से ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये वाटर का सरफेस है, यहाँ तक लिक्विड वाटर भरा हुआ है, तो ये रेयरर मीडियम है, तो इस वाटर के ऊपर रेयरर है, मतलब रेयर मतलब एयर है,
और यहाँ पे तो अब डेंसर से रेयरर में, तो डेंसर से क्या होगा, लाइट जब बाहर निकलेगी, जब डेंसर से रेयरर में लाइट जाती है तो अवे टू नॉर्मल हो जाता है, तो ये इधर से चला और इधर थोड़ा सा और इधर बेंड हो गया। समझ रहे हैं क्या होगा कि जब ओ से यहाँ पे लाइट चलेगी, यहाँ पे सरफेस के बाद एक तो लाइट यहाँ ओ से निकलेगी तो सीधा चली जाएगी, तो ये मान लेते हैं कि जो लाइट नीचे पड़ेगी वही लाइट 90 डिग्री पे फिर वापस चली जाती है, ठीक है। तो ये एक रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड ये वाला हो गया, और यहाँ से दूसरी जब लाइट चलेगी जैसे सरफेस से बाहर निकले टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगी, अवे द नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल से दूर चला गया, तो इस लाइन को हमें क्या करना है, प्रोड्यूस कराना है, तो आई पे आके मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा में तो एक तरह से ये कह सकते हैं जो इमेज बनता हम लोग को जो ऊपर से दिखेगा कहाँ दिखेगा, आई पे बनेगा, क्यों, क्योंकि ऊपर से जो होगा लाइट क्या हुआ बेंड हो गया, तो बेंड करने वाला जो लाइट होगा उसको जहाँ मिलाएंगे तो वही हम लोग को अपीयर होगा, तो इसका मतलब नीचे यहाँ पे है और ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पे दिखेगा, तो एक्चुअल से क्या होगा स्मालर जो है डिस्टेंस पे दिखेगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर रेयरर डेंसर से रेयरर में, अगर मतलब ऑब्जेक्ट अगर डेंसर में है, अगर हम लोग क्या करते हैं रेयरर से देखते हैं तो जो साइज होता है वो क्या होता है स्मालर देन द एक्चुअल जो है साइज हो जाती है, ठीक है। आइए इसको कैसे प्रूव करते हैं देखिएगा, सबसे पहले हम लोग स्नेल्स लॉ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बनता है ये यही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, क्योंकि वाटर से लाइट कहाँ जा रही है एयर में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, तो यहाँ पर जाएगा साइन आई अपान साइन आर, ठीक है, कितना होगा साइन आई अपन साइन आर। और यहाँ देखिए ये हम लोग का क्या हो, जब बाहर गया तो नॉर्मल ड्रा हुआ तो यहाँ आई होगा और ये आर हो जाएगा, और इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ये आई जो है और ये क्या है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन है, जब पैरेलल लाइन तो ये अगर आई है तो ये भी आई होगा, और यहाँ पे क्या होगा जो सीधी लाइन आई यहाँ पे, तो अगर ये आर होगा तो ये भी अल्टरनेट से आर हो जाएगा, तो आए समझ में। तो आई हमारा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर ही आ जाए। अब इसको हम लोग उल्टा करके अगर लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू अगर एयर लिखेंगे तो ये वैल्यू उलट जाएगी, तो वैल्यू हो जाएगी साइन आर अपन साइन ए आ गया, यही ना साइन ए कर आई हो जाएगा, यहाँ पे नीचे आ गया। अब देखिए क्या है एन ए, अब यहां से हम लोग करते हैं क्या, यहां से वैल्यू वहां देख लेते हैं, देखिएगा तो यहां से हम लोग, अब यहां से आई देखिए ये हमारा आर यहां और आई यहां, अगर हम एक बार इसको लिख देते हैं साइन, इस आर की जगह हम लोग क्या करते हैं ये वाला आर ले लेते हैं यहां पे, तो ये आर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एंगल ए आई सी, ठीक है, और अपान हो जाएगा ये वाला साइन और ये हमारा कितना आर, वाई का वैल्यू जो होगा एंगल ए ओ सी, ये हो गया एंगल, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग फार्मूला लगाते हैं, साइन का जो वैल्यू होता है साइन का क्या वैल्यू, एंगल ये है तो आर की जगह कितना होगा, तो बेस बेस ए सी हो गया, अपान जो है कितना होगा हाइपोटेनस आई सी हो जाएगा, ठीक है। फिर अपान ले लेते हैं यहाँ से और उसके बाद जो है यहाँ से एओ हो जाएगा और अपान कितना हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो गया सी ओ, यहाँ सी ओ लिख दो, यहाँ सी आई लिख दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो आपने देखा कितना हो गया, तो ए सी अपान सी आई मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ए सी यहाँ से देखिए ये गड़बड़ हो जाएगा, ए सी अपान सी आई और यहाँ पर भी कितना होगा ए सी अपान सी आई होगा, ए सी बेस सेम होगा ए सी अपान सी ओ, ठीक है। फिर यहाँ ए सी अपान सी आई और यहाँ पर कितना होगा सी ओ अपान ए सी, ए सी ए सी ए सी कट जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा जब आई लेंगे ए सी अपान जो है सी ओ हो जाएगा और जब आर लेंगे तो ए सी अपान कितना होगा सी आई होगा, तो यहाँ से कट के कितना बचता है, तो हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच जाता है सी ओ अपान सी आई, ठीक है। ऐसा समझ में कितना बच गया, सी ओ अपान सी आई बच गया, ये वैल्यू आ गया। अब करना क्या ध्यान से देखिएगा,
सी ओ, ये हो गया। तो अब देखिए हम लोग को लिखना है कितना, सी ओ नियर अबाउट, ये मान लिया जाता है कि जो ये जो इसमें जो इस तरीके से लाइन जाती है वो इक्वल सी ओ को मान लेते हैं ए ओ, और सी आई को मान लेते हैं, मतलब अप्रॉक्स होता है कितना मान लेते हैं इसको ए आई। तो इस हिसाब से हमारा आंसर आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट एयर कितना जाएगा, ए ओ अपान कितना हो जाएगा, सी ओ को ए ओ लिखेंगे और इसको लिखेंगे कितना सी आई को लिख देंगे ए आई, और यही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आ जाएगा। इसको बोलेंगे क्या, रियल डेप्थ, ये फार्मूला बन गया अपान अपरेंट डेप्थ। ये फार्मूला हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यहाँ से, ठीक है, आए समझ में कितना होगा। तो रियल डेप्थ अपान अपरेंट डेप्थ, ये हो गया रियल डेप्थ अपान, मतलब ए ओ रियल हो गया और आ हम लोग का कितना रहा है तो ए आई आ रहा है, तो ये कितना ए आई, ये रियल डेप्थ हो गया और ये अपरेंट, यही प्रूफ करना था रियल और अपरेंट डेप्थ, ठीक है। इतना देखिए तो हम लोग लैटरल शिफ्ट का जो है फॉर्मूला लिखते हैं, लैटरल शिफ्ट क्या होता है, तो आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट भी नहीं होगा, है ना। तो आइए हम लोग समझते हैं। अब देखिए अगर हमको क्या निकालना है, यहाँ लिखा हमने नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम मान ले डी हो तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब कितने का डिफरेंस हो। तो हम लोग अगर सी ओ में से अगर ए आई को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यही हमारा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट डी हो जाता है। और इसको अगर और सॉल्व करें तो हम लोग अगर क्या करते हैं ए ओ को कामन कर लें, ठीक है, तो ए ओ को अगर कामन कर लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, तो आ जाएगी कितनी, ए ओ को नहीं, हम लोग कामन किसको कर लें, ए ओ को कामन कर लें, ए ओ को कामन कर लेंगे तो मान के चलिए हमारा आ गया वन माइनस ए आई अपान ए ओ। फिर ए ओ को हम लोग यहाँ पे मान ले क्या टी मान लिया, क्या मान लिया, पूरे को टी मान लिया कि इस वाटर का जो विड्थ है वो टी है, तो वन माइनस इसकी जगह आपने देखा कि ये आपकी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू देखिए यहाँ पे ये, तो इसका उल्टा वन अपान कितना हो जाएगा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं डी को। तो यही इसी को बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट, मतलब जो शिफ्टिंग हुआ है ये वाटर के वाटर की वजह से हुआ है। तो डी इक्वल टू टी वन माइनस वन अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। अगर इसको उल्टा करेंगे तो हम लोग अगला जो कॉन्सेप्ट बन के आएगा डी इज इक्वल टू टी और वन माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे यन एयर टू वाटर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इस तरीके से भी शिफ्ट हो गया, आया समझ में। तो देखिए आसानी से रियल डेप्थ कैसे क्या करना था आपको समझ में आई गया है कि इस तरीके से अगर क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं छोटा छोटा क्वेश्चन है जो पेपर में आता है, बच्चे थोड़ा इस पर कंसेंट्रेट कम कर पाते हैं, तो आइए हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल मल्टीपल मीडियम, मतलब हम लोग का जो रिफ्रैक्ट, ये इस पर भी न्यूमेरिकल प्लस फिगर भी आते हैं, तो अगर हम लोग का रिफ्रैक्शन किसके करना है मल्टीपल मीडिया लेके करना है, अगर एक मीडियम हो दो मीडियम हो तो समझ में आता है। तो पहला रूल तो हम लोग जानते हैं, रेयरर से अगर डेंसर में, देखिएगा क्या है रिफ्रैक्शन मल्टीपल मीडिया, मतलब दो मीडिया हो तो ठीक है, तीन मीडिया हो तब कैसे करेंगे। दो मीडिया के लिए हम लोग जानते हैं कि रेयरर से जब डेंसर में इंटर करेगा तो टूवर्ड्स नॉर्मल मुड़ जाता है, तो जब यहाँ रेयर मतलब एयर है, क्या रेयरर का मतलब एयर होता है, रेयरर और ये दोनों क्या है ग्लास वाटर, तो जो लाइट क्या करेगी जब रेयरर से डेंसर में इंटर करती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, तो ये लाइट आई और थोड़ा सा इसको सीधे जाना चाहिए यहाँ पे मुड़ गई, और फिर से ग्लास में चलेगी तो फिर से मुड़ गई, दोबारा यहाँ से मुड़ गई, ठीक है।
और फिर से जब वापस चलेगी यहाँ बाहर एयर में, फिर से डेंसर से रेयर में चलेगी तो अवे टू नॉर्मल होता है, मतलब लाइट का कंडीशन होता है रेयरर से जब डेंसर में इंटर करती है तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाती है, और अगर डेंसर से रेयरर में इंटर करती है तो अवे टू नॉर्मल हो जाती है। इसलिए यहाँ से रे क्या होगी, मुड़ती मुड़ती आएगी और जब फिर से एयर में आ गया तो दूर चला गया। तो ये हो गया फिगर की कंडीशन। अब देखिए, एयर को वन मान लिया, वाटर को टू मान लिया और ग्लास को थ्री मान लिया। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं। पहले क्या करेंगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या यूज होता है, देखिए सिंपल में अगर हम लिखते हैं तो साइन आई अपान साइन आर जो होता है, इसमें जो लिखा जाता है वो स्नेल्स लॉ सेकेंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम का रिस्पेक्ट निकल, अगर लिखने का तरीका है ये है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर होता है इसका मतलब। और कहीं कहीं होता है कैसे लिखा होता है, सिर्फ एन लिखा होता है, कहीं कहीं पे लिखा होता है कितना एन टू अपान एन वन लिखा होता है, और कहीं कहीं इसका मतलब हो जाएगा टू वन, इतनी चीज़ें लिखा होता है। और इसको म्यू भी बहुत सी बुक में म्यू भी लिखा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एन टू अपान एन वन बोले या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, पहला एयर है। अब ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हो गया और विथ रिस्पेक्ट टू, पर इसको भी बदलना है तो हम लोग सिर्फ इतना ही लिखेंगे, या तो एन या तो म्यू, ठीक है। अब क्या करना है, इसको एंगल भी चेंज करना है हम लोग का ना, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एंगल चेंज करते, देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा साइन, पहला हमारा क्या है I1 है और अपान साइन, दूसरा वाला कितना है R1 है, इक्वल टू यहाँ होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू वन, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, एयर हो गया। अब ए वाटर से फिर ग्लास में जाएगा तो साइन, एंगल कितना है तो हमारा आर1 है और अपान साइन, एंगल नीचे वाला कितना है तो R2 है, इक्वल टू कहाँ पे जा रहा है तो हमारा जा रहा है थ्री टू, मतलब टू से थ्री में जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हो गया, ये दूसरा नंबर का हो गया। अब देखिए लास्ट में क्या करता है, ग्लास से एयर में आता है तो साइन कितना हो जाएगा तो R2 हो गया अपान साइन जो है बाहर आ गया आई वन आ गया, फिर से इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कितना हो जाएगा, तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे थ्री, मतलब यहाँ पर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और विथ रिस्पेक्ट टू किसके हो गया हमारा तो वाटर ग्लास हो जाएगा इतना। अब सबको क्या कर दीजिए, एक साथ लिखिए, क्या होगा एडिंग इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड सबको कर दीजिए एक साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, थोड़ा कम जगह हो सबको, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे, जब मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो यहाँ देखिएगा आप, यहाँ से देखिए ये वाला ऊपर नीचे ये इससे कट जाएगा, ठीक है, और उसके बाद जो है ये ऊपर नीचे इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाए, जब सब कट गया तो बचा कितना, वन एन टू मल्टीप्लाई टू एन थ्री मल्टीप्लाई एन वन थ्री इक्वल टू वन, कुल मिला के आ गया हमारा कितना वन आ गया, इतनी वैल्यू आ गई आपकी। अब क्या करेंगे आप, आपको इसके नीचे कर देना है तो आप लिखेंगे वन एन टू इंटू टू एन थ्री इक्वल टू वन अपान एन वन थ्री, इस एन वन थ्री को हम लोग लिख सकते हैं कितना थ्री वन, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू किसके हो गया हमारा, ये अब आ गया एयर, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, अब हमारा ये वैल्यू आ गया, अब इसमें थोड़ा चेंजिंग कर दिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे यहाँ पे तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, हम लोग को निकालना ये वाला है, ठीक है। तो अगर हम लिख दें कितना इसको हम लिखें तो यहाँ पर हो जाएगा कितना एन थ्री टू इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा एन थ्री वन अपान यहाँ पर हो जाएगा टू वन, इसका मतलब यही आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अगर आपको निकालना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू
वाटर, ठीक है, रिफ्रैक्ट, अब ऐसे लिखिए रिफ्रैक्टेंस ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या हो जाएगा ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो है वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। तो ये आपका फार्मूला बन गया जो आपको जल्दी देखने को नहीं मिलता है। तो क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब क्या होगा ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर निकालना है तो आपको याद रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास में विथ रेस्पेक्ट टू वाटर से डिवाइड कर देंगे आपका वो मल्टीपल मीडिया का जो रेशियो होता है वो सॉल्व होकर आ जाएगा। तो आपको समझ में आ जाए कोई डाउट हो तो बोलिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए जो है ऑप्टिक्स का जो है आइए वन बाई वन करके हम लोग न्यूमेरिकल बहुत सारा लगा चुके हैं। आप पिछली वीडियो में अगर नहीं देखे तो आप जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। ढेर सारा न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा किस पे जो पेपर में आया हुआ किस पे ऑप्टिक्स पे, ठीक है। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके छूट जाते हैं वो उनको कराने की कोशिश करें। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि इमेज फॉर्म बाई ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा डाउट बच्चों को होता है तो किस तरीके से फॉर्म होगा क्या फॉर्मूला बनेगा तो ये हम लोग प्रूफ करके देखेंगे, ठीक है। तो अगर इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर सिंपल तरीके से अगर देखें इमेज कैसे फॉर्म होगा तो अगर देखा जाए ओरली तो जैसे मैंने क्या समझ लिए कि यहाँ पर एक मिरर है प्लेन मिरर है एम वन एम टू प्लेन मिरर है। ऊपर नीचे का सरफेस पॉलिश ऊपर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट क्या है वो डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसका जो है यहाँ से दो रे चलेगी, एक रे परपेंडिकुलर इस पर क्या करेगी इंसिडेंट होगी और एक रे दूसरी जो होगी यहाँ से जो होगी इस पर जो है ए पॉइंट पर पड़ जाएगी, ठीक है। कहाँ से ओ से एक परपेंडिकुलर दूसरी ये वाली आ जाएगी, आया समझ में। अब करना क्या यहाँ ध्यान से देखिएगा तो ये क्या करेगा ये हमारा यहाँ से क्या कर जाएगा आपका जो है रिफ्लेक्ट कर जाएगा यहाँ से, यही ना। अब उसके बाद क्या करना हम लोग को जब रिफ्लेक्ट कर जाएगा यहाँ से हम लोग क्या करते हैं इसको एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, यहाँ से ये नॉर्मल ड्रा कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद पहली बात तो देखिए अल्टरनेट में ये पैरेलल जब होगा तो ये वाला एंगल ये आई है तो ये भी आई दिखा दी, ये एंगल दोनों हो जाएगा इक्वल। उसके बाद देखिएगा क्या करना है, अब उसके बाद हम लोग को क्या दिखाना है यहाँ से ये वैल्यू आपको दिखानी है, यहाँ तो ये हो गया। अब यहाँ से देखिएगा यहाँ इसको कैसे दिखाते हैं तो देखिए इसको यहाँ से हमने क्या कर दिया क्योंकि ये जब ऐसे निकलेगी ना तो ये क्या होगा और दूसरी रे मतलब इसको हमने यहाँ से निकाल दिया ये। अब यहाँ से क्या होगा जब ये वापस आएगी तो दोबारा ये उसी रास्ते पर वापस क्या होगा रिफ्लेक्ट कर जाएगी 90 डिग्री पर सेम पाथ पर। इसको जब प्रोड्यूस कराएंगे और इसको जब प्रोड्यूस कराएंगे तो लगेगा सी से जो है हमारा रे क्या कर रहा है यहाँ से वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो ये वाली डिस्टेंस इक्वल है ये देखना है तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग का तो ये वाली वैल्यू है जहाँ से ये पास करेगा तो ये हमारा क्या होगा यही इमेज हो। अब इसको सॉल्व कैसे करना देखिएगा, सबसे पहले यहाँ से तो आई आर इक्वल दिखा दिए, अब उसके बाद यहाँ से क्या आई आर यहाँ पे आपस में 90 डिग्री होता है क्योंकि इंसिडेंट होगा रिफ्लेक्ट हो ये आई इक्वल टू आर हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग लिखें कि एंगल जो है ओ ए एन इक्वल टू एंगल जो है बी ए एन इक्वल टू कितना हो जाएगा ऐसे कह सकते इक्वल लिखे यहाँ लिखे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। और एक कंडीशन है कि एंगल जो है सी ओ ए जो होगा वो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम लोग को करना है कौन सी बात इस नीचे वाले को लेना है, ठीक है, इस ट्रायंगल में लेना है। तो ध्यान से देखिएगा इन ट्रायंगल सी आई नहीं तो ट्रायंगल क्यों ले एंगल ले लिए एंगल सी आई ए इज इक्वल टू ये जो एंगल होगा ये वाला, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कैसे अगर ये जो है हमारा एक ही लाइन से आगे बढ़ा है
तो ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर लाइन होगा। तो अगर ये वाला एंगल देखेंगे, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, दोनों को इक्वल करेस्पॉन्डिंग एंगल होता है, ऐसे समझिएगा। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल होता है। तो एक लाइन के ऊपर एक लाइन, अब यहाँ से देखिएगा, अगर आप देखेंगे ये एक लाइन ये आती है और दूसरी लाइन ये वाली आएगी और यहाँ अल्टरनेट, तो यहाँ सीधा देखेंगे तो ये एंगल जो होगा वो ए एंगल क्या होगा, दोनों हमारा एक ये एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का क्या लिखेंगे, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल में एंगल हो जाएगा सी आई ए और इक्वल कितना हो जाएगा एंगल बी ए एन, दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। और बी ए एन की वैल्यू कितनी है, तो सी आई ए इक्वल कितना एंगल बी ए एन की वैल्यू एंगल आर है, और एंगल अगर आर हो गया तो सी आई ए जो होगा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया इक्वेशन थर्ड, मतलब आपने क्या प्रूव किया कि नॉर्मल से हम लोग जानते हैं कि ये आई इक्वल आर होता है, ये अल्टरनेट से होगा, ये इसके करेस्पॉन्डिंग से हो गया, आई जो है ये सी आई ए जो इसके हो गया। अब हम लोग को देखना है कि जितना डिस्टेंस ये होगा, अगर एंगल ये सेम हो गया यहाँ से, ठीक है, तो ये जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्टेंस ये भी होगा क्योंकि एंगल सेम हो गया। यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 90 हो गया, ये 90 होगा, तो यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती हो क्या होती, इक्वल होती है। तो हम लिखेंगे कितना, सी ओ इज इक्वल टू कितना होगा सी आई, कितना होगा सी ओ इक्वल टू सी आई, यही हम लोग को प्रूफ करना है कि सी ओ और सी आई इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ मिरर से जितने डिस्टेंस पे जो है ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस पे क्या बन जाएगा, आपका इमेज बनेगा, पर कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो इमेज की कंडीशन क्या होगी अगर हम लोग देखेंगे, तो पहला होगा वर्चुअल, ठीक है, दूसरा होगा इरेक्ट, इरेक्ट होता है इरेक्ट, और तीसरा क्या हो गया सेम साइज, सेम साइज, चौथा क्या होगा लैटरली, ठीक है, ये चौथा होगा लैटरली, मतलब ये वर्चुअल होगा, ठीक है, एक चीज, दूसरा क्या होगा इरेक्ट होगा, तीसरा क्या होगा सेम साइज होगा, चौथा लैटरली होगा। इतनी कंडीशन आपकी जो है ये इमेज बनाएगा, तो इसमें दिखेगा, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, कोई डाउट है तो बताइएगा, आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट तो है नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सिंपली कर सकते हैं, आइए जो है देख लेते हैं। तो देखिएगा, अगर हमको कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेस इन कांटेक्ट, अगर दो लेंस को जैसे मान ले कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस एक दोनों को कंबाइंड कर दे, एक साथ जोड़ दे, कांटेक्ट में रख दे, तब क्या होगा कंबाइंड फोकल लेंथ, ये निकालते हैं। आइए इसका एक्सपेरिमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा, कंबाइंड वाला फोकल लेंथ कैसे फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, तो आपने देख लेना है, तो आपको एक लेंस का जो फार्मूला है उस तरीके से अगर हम इस वाले पहले लेंस का जो फार्मूला देखें, तो हम लोग का वन अपान कितना होता है, बी होता है, तो वन अपान बी डैश माइनस वन अपान यू इज इक्वल टू वन अपान एफ वन, पहले जो है लेंस का फोकल लेंथ एफ वन होगा, तो वन अपान बी डैश, ये हम पहला जो है लेंस है उसका इमेज कहाँ बना, आई डैश पे, जो कि यहाँ से बी डैश है और ऑब्जेक्ट पहले के लिए यू पे है, तो इमेज बनेगा, तो उसका हमारा जो फार्मूला बनेगा वन अपान बी डैश माइनस वन अपान यू कॉल्ड वन अपान एफ, ये हो गया। अब क्या करना है, यही जो हमारा इमेज बना यहाँ पे आई डैश, ये सेकेंड लेंस के लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और इसका इमेज ये आई पे बनाएगा, तो उसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, वन अपान जो है v माइनस वन अपान यू, क्या है जो u होगा उसी की जगह b डैश हमारा आ जाएगा, और फोकल लेंथ हमने ये अलग अलग मान रखा है कि फोकल लेंथ अलग है इसलिए f2 हो गया, दोनों को ऐड कर दिए, लिखिए एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड एडिंग इक्वेशन सेकेंड, दोनों को अगर ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो आपको क्या बनेगा देखिएगा ध्यान से, मैं यहाँ से लिखता हूँ, वन अपान बी डैश माइनस वन अपान यू, फिर प्लस कर दीजिए
वन अपान बी माइनस वन अपान बी डैश इज इक्वल टू आपको हो जा रहा है वन अपान एफ वन प्लस वन अपान एफ टू। तो आपने देखा कि आपका ये वाला दोनों कट जा रहा है, तो आपको बन जा रहा है वन अपान बी माइनस वन अपान यू इज इक्वल टू वन अपान एफ वन प्लस वन अपान एफ टू। आपने देखा फिर वन अपान बी माइनस वन अपान यू को हम लोग जानते हैं कि वन अपान बी माइनस वन अपान यू इज इक्वल टू होता है वन अपान एफ, तो ये हो जाएगा वन अपान एफ इक्वल टू वन अपान एफ वन प्लस वन अपान एफ टू। तो आपने ये देखा कि आपका जो फार्मूला बना वन अपान एफ इक्वल वन अपान एफ वन प्लस वन अपान एफ टू बन गया ये, तो कंबाइंड फोकल लेंथ आपका इस तरीके से निकल सकता है। अब इसी को अगर हम लोग क्या करें पावर में अगर दिखाना चाहे मान लीजिए, तो कंबाइंड लेंस का पावर जो होगा तो P इज इक्वल टू वन अपान एफ होता है, तो अगर हम लिखे P इज इक्वल टू तो हमारा यहाँ से होगा P1 प्लस P हो जाएगा। तो इस तरीके से है कंबाइंड फोकल लेंथ का पावर भी कंबाइंड में P इक्वल टू P1 प्लस P2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देख ले, इस तरीके से आप करेंगे तो अगर आपको मान लीजिए करने को आ गया प्रूफ, तो आप ऐसे करके न्यूमेरिकल में अगर फार्मूले का यूज आता है, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप इस तरीके से पहले प्रूफ करके कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? ये जो है देखते हैं हम लोग क्या है किसका प्रूफ करना है। तो देखिए थिन लेंस फार्मूला बाय टेकिंग फाइनाइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब अगर हम लोग को क्या करना है थिन लेंस फार्मूले का प्रूफ करना है किसका यूज करके, अगर ऑब्जेक्ट की साइज किसी फाइनाइट साइज की ऑब्जेक्ट हो तब अगर थिन लेंस फार्मूला प्रूफ करना है। तो आइए कैसे करते, देखिए अगर हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है तो ओ डिस्टेंस पे है, उसकी हाइट ओ ओ डैश है, और यहाँ जब इंसिडेंट होगा तो यहाँ फर्स्ट क्या होगा प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा और एक रे कहाँ से हो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी जहाँ दोनों मीट करेगा इमेज बना लेगा, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग देखें क्या होगा, तो लिखेंगे इन सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन से ले लेते हैं, ओ ओ डैश सी ले लीजिए और आई आई डैश सी ले लीजिए। आई ये दो ट्रायंगल हम लोग थे क्या लेते हैं, ओ ओ डैश सी ले लीजिए, ओ ओ डैश सी एंड आई आई डैश सी ले लेते हैं। तो देखते क्या होता है, ओ ओ डैश अपान कितना होगा आई आई डैश इक्वल टू ओ ओ डैश अपान आई आई डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ओ सी अपान आई सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग चलते हैं, अभी हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, वैल्यू बाद में रखते हैं। और एक और ट्रायंगल ले लिए, अब क्या लेंगे इन सिमिलर ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल लेंगे, ए सी एफ ले लिए और क्या होगा आई आई डैश एफ ले लीजिए, ठीक है। कौन सा ए सी एफ आई आई एफ ले लेते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, तो ए सी अपान कितना होगा आई आई डैश हो जाएगा ए, और यहाँ होगा सी एफ अपान कितना हो जाएगा आई एफ हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। और इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कैसे करना है। तो हम लोग जानते हैं ओ ओ डैश की जो वैल्यू होगी वो इक्वल ए सी के हो जाएगी, ठीक है। इसलिए क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन, जब फर्स्ट सेकंड से लेंगे तो ओ सी अपान कितना होगा आई सी हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा सी एफ अपान आई एफ हो जाएगा। ओ सी की वैल्यू आप देखिए तो कितना है, यू है माइनस में, अब यहाँ वैल्यू देखिए ओ सी की वैल्यू माइनस यू है और आई सी की वैल्यू यहाँ से यहाँ कितनी है माइनस बी है, इक्वल टू इसको ओ सी एफ की वैल्यू देखिए सी एफ की वैल्यू कितनी है, तो फोकल लेंथ है हमारा कितना है तो एफ में हो जाएगा प्लस में, अच्छा यहाँ पर भी प्लस में होगा इस तरफ है इसलिए, ठीक है। अब देखिए आई एफ की जो वैल्यू होगी आई एफ की वैल्यू कितनी है आई एफ, तो आई इसकी वैल्यू नहीं पता तो हम लोग क्या करेंगे इस पूरे में से, मतलब हम लोग क्या करेंगे बी में से जो है और आई एफ बी में से सी एफ सबट्रैक्ट करेंगे, मतलब फोकल लेंथ को सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस यू वी होगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा यू एफ इक्वल इधर हो जाएगा वी एफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा कहाँ गया, तो
इसको हम लोग यहाँ से क्या कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर, तो यू एफ और माइनस वी एफ इक्वल हो जाएगा यू वी, और यू वी से जब डिवाइड कर देंगे तो, और एफ यहाँ से कामन करके उस तरफ कर देंगे, तो यू अपान यू वी और माइनस वी अपान यू वी, यहाँ पे ये हो गया, और इक्वल टू यहाँ कितना होगा, वन अपान एफ हो जाएगा। अगर इसको आप काटेंगे ये बी से बी, तो आपका फॉर्मूला हो गया वन अपान बी माइनस वन अपान यू इज इक्वल टू वन अपान एफ, मतलब वन अपान एफ इक्वल टू वन अपान बी माइनस वन अपान यू। तो आपने देखा कि आपका फॉर्मूला इस तरीके से हो जाएगा प्रूफ। आपको करना क्या, सबसे पहले दो सिमिलर ट्राइंगल लेना है, वो कौन सा ट्राइंगल है, ओ ओ डैश सी एन आई आई डैश सी, उसके बाद यहाँ से वैल्यू सिमिलरिटी की दिख देनी, फिर उसके बाद ट्राइंगल ए सी एफ और आई ए सी एफ और आई आई एफ लेना, फिर सिमिलरिटी लगाना, फिर दोनों को कंपेयर करना, ये वाली हाइट ये वाली इक्वल होकर हटा देना, फिर इसकी वैल्यू आप इस टेबल से देख के लिखेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसका प्रूफ आता है तो आप लोग ध्यान से कर लीजिए, ठीक है, आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे ले लेते हैं इसी क्रम में। तो आइए जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 6 का जो है हम लोग करते हैं क्या, तो देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल एक्सपेरिमेंट नंबर 6 का है, तो मैं जो है आपको एक एक जो है एक्सपेरिमेंट आपको कराया हूँ, पर ऑब्जर्वेशन टेबल एक का भी मैंने आपको उस समय लिख के नहीं दिया है, तो ऑब्जर्वेशन टेबल मैं अब आपको जो है बोर्ड पे लिख के दे रहा हूँ, जिससे आप फाइल में अगर लिखना भी है तो आसानी से जो है बिना गलत के लिख सकते। देखिए क्या है, पहली बात एक्सपेरिमेंट नंबर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आप हमेशा क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव या एम पढ़ के ही लिखिएगा। टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेन मिरर, मतलब हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, और किसका यूज करके, लिक्विड का निकालना है, कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर, मतलब कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन मिरर का यूज करके हम लोग को क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, किसका, लिक्विड का, ठीक है, वो भी लिक्विड में किसका, वाटर का। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर आप देख लीजिएगा, सेक्शन बी का है, सेक्शन बी का एक्सपेरिमेंट है, तो ऑब्जर्वेशन टेबल है, और इसको फार फोकल लेंथ के लिए, दो टेबल है, एक फोकल लेंथ के, तो ये फोकल लेंथ के लिए क्या है, विदाउट वाटर है, जब पानी खाली, विदाउट मतलब पानी नहीं डालेंगे, डिस्टेंस ऑफ द नीडिल, डिस्टेंस नीडिल क्या है, फ्रॉम द लेंस सरफेस, वाई वन मान लिया लेंस सरफेस और 21 है, फिर क्या है, फ्रॉम प्लेन सरफेस से जब लेंगे तो उसकी डिस्टेंस 22.4 है, जब पहली बार इमेज बनाया किससे, कॉन्वेक्स लेंस से, तो कितने डिस्टेंस बना, 21 पे, और उसके किससे मेजर किया, तो प्लेन सरफेस से मेजर किया, इतना आ गया, मीन ले लिया 21.7 आ गया, और यही इसका फोकल लेंथ हो गया। चलिए आगे, अगर इस पर पानी डाल दिया, वाटर डाल दिया, तब क्या होगा, जब वाटर डालेंगे 31.6 आ जाएगा, मतलब इससे बढ़ के कितना हो गया, 31.6 हो गया, प्लेन से नापे तो 32.7 आ रहा है मान लीजिए, अब इसको क्या करेंगे, मीन ले लिए तो 32.15 आ गया, और ये फोकल लेंथ हो गया 32.15, ठीक है, ऐसा नहीं, अब दूसरा टेबल देते हैं तब सॉल्व होगा, तो इसको ध्यान से देख लिए, मैं दूसरा टेबल जो है आपको लेके तब दिखाता हूँ, ठीक है, तो आइए दूसरा सेकंड टेबल क्या है उसको कंप्लीट करेंगे, तब ये कंप्लीट होगा, है ना, तो ये फर्स्ट टेबल कंप्लीट कर लिए, सेकंड टेबल के लिए देखिए क्या करते हैं, तो आइए देख लेते हैं, आइए जो है हम लोग आगे बढ़ते, देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो क्वेश्चन आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, जिसको बोलते हैं टी आई आर, क्या होता है, शॉर्टकट में बोलता है टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे जो है, रिफ्लेक्शन पे बहुत मोस्ट क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए टी आई आर है क्या, सबसे पहले हम लोग जाते हैं टोटल इंटरनल, ये लिखा है ये क्या मतलब, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू एन, या क्या होता है उसी को हम वन एन टू लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, साइन आई इक्वल कितना होता है, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप अगर हम लोग क्या निकालते हैं, एक तरह से मीडियम का निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू किससे निकाल लेते हैं, तो एयर से, यही ना,
तो साइन आई अपन साइन आर इक्वल इतना हो गया। जब यही टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है, जब क्रिटिकल एंगल को इतना रखा जाए, मतलब रेयरर एंगल की जो वैल्यू हो वो क्या हो, डेंसर, जो डेंसर की वैल्यू हो वो 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, और रेयरर की जो वैल्यू हो इतनी हो कि लाइट क्या करे सेम मीडियम में वापस आ जाता है, तब उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या हो कि डेंसर मीडियम का जो एंगल है, ठीक है, वो 90 डिग्री हो और या तो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, और यहाँ क्या ये ग्रेटर यहाँ पे, और यहाँ पे साइन आई की जो वैल्यू होगी वो रेयरर के लिए कितना हो जाए कि लाइट जो है सेम मीडियम वापस आए, तब हम लोग उसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। अगर इसके लिए हम लोग फार्मूला बनाए मान लीजिए, तो आ जाए कितना, आई को सी रखेंगे और यहाँ हमारा हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ 21 हो जाएगा, और इसको हम लोग देखेंगे तो ये वैल्यू हम लोग की हो जाएगी साइन सी इज इक्वल कितना होगा 21, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको बदलिए, हम लोग का वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम लोग क्या लिखें साइन सी है, तो अगर यहाँ से हो जाएगा 1 2 अगर कर देंगे तो 1/ साइन कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका मतलब है कि डेंसर टू रेयरर हो गया, अभी तक क्या था यहाँ क्या था, यहाँ पे जो लिखा था रेयरर से लाइट रेयरर से डेंसर में एंट्री करती थी, अब लाइट कहाँ से एंट्री करेगी, डेंसर से रेयरर में एंट्री करेगी, तो डेंसर से क्या होगा, मतलब जो लाइट हम लोग की ऐसे मान लीजिए यहाँ पे जो लाइट पड़ती है ऐसे करके मान लीजिए, तो ये क्या करती, चलिए हम लोग ऐसे करके दिखाते, यहाँ लाइट ये पड़ी तो यहाँ से क्या होगी, चली इधर चली गई, ठीक है। अब यही क्या होगा, लाइट यहाँ से अगर हमारी लाइट जो है यहाँ पड़ेगी तो ये क्या करेगी, इधर ही आ जाएगी, तो ये वाली जो कंडीशन थी इसमें जो होता है n जो है 21 होता है, इसमें जो होता है n 21 हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ, अच्छा ये उल्टा हो गया, n जो है यहाँ पे 21 होगा और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 1 2 हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब है ये क्या है, रेयरर से डेंसर में एंट्री कर रहा है, और यहाँ डेंसर से क्या है रेयरर, मतलब उधर न जाके लाइट इधर आ जाएगी, तो ये आपका क्रिटिकल एंगल बोला जाता है, और इसकी वैल्यू जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चल जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन में प्रिज्म का कैसा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होगा, किसका चेक कर, प्रिज्म का कैसा शेप होगा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन करता है। देखिए प्रिज्म में अगर हम लोग प्रिज्म में मान ले, सबसे पहले हम लोग प्रिज्म बनाते हैं ऐसे, इसका मतलब ये प्रिज्म का एंगल हो गया मान लीजिए, ठीक है, ये 90 डिग्री है प्रिज्म के लिए, ये 90 और ये 45 हो गया और ये भी 45, तब अगर लाइट ऐसे जाएगी तो यहाँ से वापस आ गई, फिर लाइट ऐसे जाएगी तो यहाँ से वापस आ गई, तो ये हो गया प्रिज्म का एक ये कंडीशन हो गया, ठीक है। दूसरा प्रिज्म को हम लोग कैसे रख दें, तो यहाँ पे हो गया प्रिज्म को उल्टा कर दें, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बना दें ऐसे, ठीक है, तो अगर ये 90 डिग्री हो और यहाँ कितना हो 45 हो और यहाँ वाला कितना 45, तो लाइट ऐसे जाएगी और यहाँ पड़ेगी और वापस आ जाएगी, फिर लाइट यहाँ से जाएगी फिर यहाँ से पड़ेगी फिर ये वापस आ गई, तो ये इस तरीके से हमारा हो जाएगा लाइट, ठीक है, आया समझ में, इस तरीके से लाइट क्या होगा, इस तरीके से लाइट क्या करेगा, तो यहाँ क्या होगा, अगर 45 है तो वापस हो जाएगा लाइट। और एक कंडीशन इसमें और होता है, वो कौन सा होता देखिएगा, अगर हम लोग प्रिज्म को ऐसे ऐसे कर दें, अब थोड़ा सा 90 डिग्री कर दीजिए, ऐसे बना दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ जब लाइट पड़ेगी ऐसे, फिर ऐसे चलेगी यहाँ से, इस तरीके से पड़ेगी यहाँ से, लाइट ऐसे आएगी मान लीजिए, ऐसे चली फिर यहाँ पड़ी फिर ये ऐसे निकल जाएगी, लाइट ऐसे पड़ी फिर यहाँ पे ऐसे पड़ेगी, यहाँ से यहाँ चलेगी ऐसे, यहाँ पे फिर ऐसे आ गई, तो यहाँ क्या होगा, इस तरीके का यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा ऐसे करके। तो ये प्रिज्म की कंडीशन होती है, अगर 90 डिग्री यहाँ है, 45 यहाँ है और यहाँ पे 45 है,
तो प्रिज्म में इस तरीके को आपको देखने को मिल जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन में, ठीक है ना। तो इस तरीके का आपको फेनोमेना देखने को मिलेगा। क्या होगा कंडीशन, क्या टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है पहले समझिएगा। जब लाइट जो है, जब एंगल हमारा रिफ्रैक्शन एंगल जो होगा इतना ज़्यादा हो जाए, मतलब 90 या 90 से ज़्यादा हो जाए कि जो लाइट होगी सेम मीडियम वापस आने लगे, जब वापस आ जाएगी तब उसको टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन बोलेंगे। मतलब लाइट रेयरर से डेंसर में जाके जो है डेंसर से रेयरर में वापस आ जाए, मतलब इस कंडीशन में। और उसमें सबसे पहले हम लोग प्रिज्म को देख लिए, अगर प्रिज्म ऐसे रखेंगे तो प्रिज्म इस तरीके से वापस हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ वापस आ गया, इस तरीके से प्रिज्म का बनता है, ठीक है। आगे जो हम लोग का सिलेबस में हो क्या है, ऑप्टिकल फाइबर है, तो उसको हम लोग देखते हैं। चलिए तो ऑप्टिकल फाइबर का कैसे होता है, ठीक है, ऐसा समझे। तो आइए जो है देखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर जो है, यही जो ऑप्टिकल फाइबर है सीबीएसई बोर्ड के जो है सिलेबस में यही ऑप्टिकल फाइबर होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर का देखिए कैसे कंस्ट्रक्शन, कैसे डिजाइन किया था। ऑप्टिकल फाइबर में जो है बीच में एक पतली सी पाइप होती है, और किनारे किनारे मतलब एक तरह से जो ऊपर सरफेस होता है इसको सर्कुलर भी हम लोग ऐसे मान ले देखने को मिलता है, ये इस तरीके का होता है, इस तरीके का। तो इसके अंदर यहाँ पे चारों तरफ से क्या करेंगे, क्लैडिंग मतलब मटेरियल पार्टिकल्स छोटे छोटे उसको पेस्ट बना के इसके अंदर क्या कर देंगे, फिल रहता है, मतलब एक तरह से क्या होता है, फिल रहता है, यहाँ पर भी ये फिल रहता है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और उसके बाद जो बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है उसमें से लाइट पास करती है, ऐसे करके लाइट इस तरीके से पास करती है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सिग्नल्स भेजते हैं लाइट एनर्जी। हम लोग को सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इसमें क्या करता है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और विदाउट लॉस क्या होता है, वन एंड से अनदर एंड तक क्या होगा, इलेक्ट्रिक जो है हमारी क्या होती है, लाइट पास कर जाती है। मतलब क्या होगा, ऑप्टिकल फाइबर का यूज क्या होता है, जब लाइट एनर्जी क्या करे वन एंड से अनदर एंड विदाउट लॉस क्या होगा हमारा पास होगा, तब उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, ठीक। कंस्ट्रक्शन कैसे है, तो यहाँ क्लैडिंग होती है, क्लैडिंग में क्या है मटेरियल्स पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लो होता है। जब लाइट जाएगी तो लाइट क्या करेगी, अंदर रिफ्लेक्ट होकर वन जो है प्लेस से अनदर, मतलब वन इंड से अनदर इंड तक निकल के चली जाएगी। अब इसका यूज क्या है, तो हम लोग जानते हैं क्या, कम्युनिकेशन सिस्टम में जब से जो ऑप्टिकल फाइबर आया है तब से जो है जो नेटवर्क है, जो डाटा है बहुत तेज काम करता है। उसका रीजन यही है कि लॉस जीरो होता है, ठीक है। अगर हमारा क्या है, अगर जो कंपनियाँ हैं अगर अपने डेटा को जो है अगर कम ना करे, कम फ्रिक्वेंसी पे सेट नहीं करती हैं, तो ये समझिए आपको पूरी पूरी वैल्यू मिलती है, पर ऐसा नहीं होता है। कंपनियां क्या करती हैं अपने डेटा को जो है सेवर के रूप में कम कर देती हैं, जिसकी वजह से जो 5G या 4G की जो स्पीड है इस समय 2G की स्पीड से चल रहा है, ये एक तरह से कह सकते हैं काम ही नहीं कर रहा है। तो ये हमारे ऑप्टिकल फाइबर के रीजन से नहीं होता, ये कंपनियों की जो है कुछ जो लापरवाही या जानबूझ के किया जाता है। कंपनियां जानती है अगर हम लोग 5G लेने वाले हैं तो 4G को कम करेंगे तभी 5G, तो ऐसा कुछ कंपनियों का जो है सोचना, ठीक है। तो आइए हम लोग अपना देखते हैं। तो अब इसका यूज क्या है, ऑप्टिकल फाइबर का यूज आपको मेडिकल इंडस्ट्री में कर सकते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर का यूज करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर को मेडिकल इंडस्ट्री में कैसे करते हैं, मेडिकल जो है हमारे जो है मेडिकल में कैसे किया जाता है, तो मेडिकल में इसका जैसे हम लोग का क्या बॉडी का एग्जामिनेशन करना होता है, तो इसमें ऑप्टिकल फाइबर क्या बहुत फ्लेक्सिबल होता है, जैसे वैसे ट्विस्टिंग कर सकते हैं, इसको मोड़ सकते हैं, ठीक है। जब मोड़ के बहुत पतली पाइप के टर्म में अगर हमारे वेंस के अंदर नसों के अंदर उसको डाल दें या मुंह के अंदर से पाइप डाल दें, तो उसमें क्या होता है कैमरा भी लगा होता है, तो कैमरा का मतलब वो लाइट का इमेज इतना क्लियर ले लेता है कि उसमें जो भी चीज़ें होती है अंदर बॉडी को दिख जाती है। इसीलिए हमको क्या है मेडिकल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। और कहाँ किया जाता है, कम्युनिकेशन सिस्टम में इसी का यूज किया जाता है, क्योंकि आजकल ऑप्टिकल फाइबर्स हर जगह जो है आपके फैलाए जा रहे हैं, बिछाए जा रहे हैं, एक रीजन से दूसरे रीजन भेज रहा है, क्योंकि जो है इसको कम्युनिकेशन करने में थोड़ा सा इजी होगा। एक तरह से कर सकते हैं कि 2000 अगर एक ही वायर से 2000 लोग एक साथ कम्युनिकेट करें तब भी जो लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। लगभग 2000 लोग एक साथ बात कर सकते हैं बिना लॉस के, ठीक है, इतना तगड़ा होता है।
ठीक है, आया समझ में। तो ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर का यूज हो गया। और तीसरा क्या होता है हमारा, सिग्नल कम्युनिकेशन में यूज कर लिए, सिग्नल्स में यूज कर लिए, और आपका जो है ऑप्टिकल फाइबर मेडिकल में यूज कर लिया आपने। तो इस तरीके के ऑप्टिकल फाइबर्स के बहुत ज़्यादा यूज मिल जाएंगे आपका। एक तरह से जो है कंप्यूटर डिवाइसेस में आजकल छोटे छोटे वायर्स आते हैं, वो क्या होते हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो आया समझ में। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो इस तरीके के आप जो है यूजेस लिखेंगे तो आपको नंबर में कोई दिक्कत नहीं मिल जाएंगे। ये जो है देखिएगा, आपका जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड से क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, रिलेटिव डेंसिटी को लेके है या मिक्सचर ऑफ डेंसिटी है। क्या बोला है, टू डिफरेंट लिक्विड ऑफ मासेस 10 ग्राम एंड 20 ग्राम। ठीक है, दो लिक्विड है जिनका मास कितना, एक लिक्विड है जिसका मास 10 ग्राम है और दूसरा लिक्विड है जिसका मास 20 ग्राम है। एंड डेंसिटी दोनों का दिया है 0.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड दूसरे वाले का दिया है 0.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आर मिक्स टुगेदर। अब क्या है, एक का मास है हमारा 10 ग्राम और दूसरे का है 20 ग्राम और डेंसिटी एक की 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर, दूसरे की 0.95 ग्राम। जब उनको मिक्स कर देंगे तो बोला है फाइंड द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, तब मिक्सर की डेंसिटी बताना है, जो मिक्स कर देंगे उसकी क्या डेंसिटी है। तो आइए हम लोग क्या है गिवन सबसे पहले सॉल्व करते हैं और क्या क्या वैल्यू गिवन उसको नोट कर लेते हैं। तो देखिए M1 क्या है, मास ऑफ जो है फर्स्ट सब्सटेंस हो गया 10, और इसका मतलब उसका जो है डेंसिटी है रोवन अगर मान लें तो 0.84 आ गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब सीसी हो जाएगा। फिर M2 मास है और इसका 20 ग्राम मास हो गया और डेंसिटी कितनी हो गई, तो 0.95 ग्राम पर सीसी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना होगा। तो वॉल्यूम अगर निकालना है तो हम लोग को कितना होगा, मास अपान, देखिए कि अगर हम लोग यहाँ से देखें तो डेंस, अगर ऐसे फॉर्मूला लिखे तो डेंसिटी इक्वल होता है मास अपान वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम पहले का वॉल्यूम निकाले तो मास अपान वॉल्यूम उसके डेंसिटी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मास कितना है पहले का है 10 ग्राम और डेंसिटी कितनी है 0.84 है। ठीक है, इसको जब डिवाइड हम लोग करेंगे यहाँ से इसको, तो ये आपका 11.2 कितना जाएगा, 19 आ जाएगा इतना। ठीक है, और दूसरा जब लेंगे V2 तो M2 अपान कितना होगा, रो2 हो जाएगा। तो M2 की वैल्यू कितनी है आपकी, 20 है, और इसमें जो है कितना डेंसिटी 9.95 है, इसमें जब डिवाइड कर देंगे तो आपका लगभग 21 कितना हो जाएगा, तो आपका 25 मान के चलिए। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हम लोगों को क्या करना है, तो देखिएगा कितना डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, तो आप ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू, ठीक है, तो अगर आपको डिवाइड करना है तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ध्यान से देखिए 21.15 लिखिए, चाहे 21.1 ही लिख दीजिए कोई बात नहीं, 21.1 भी लिख सकते हैं। तो अगर आप देखिए अब क्या करना है, हम लोग को निकालना है डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू, अगर टोटल निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे कितना होता है, मास अपान वॉल्यूम होता है ना, डेंसिटी इक्वल कितना मास अपान, तो यहाँ लिखेंगे M1 प्लस M2 अपान यहाँ होगा V1 प्लस V2 मिक्सचर का जब निकालेंगे, तो डेंसिटी इक्वल हो जाएगा M1 M2 कितना 10 प्लस 20 हो जाएगा, और वॉल्यूम कितना है डायरेक्ट रख दिया 11.19 रखिए, प्लस कितना हो जाएगा 21.1 रखेंगे, डेंसिटी इक्वल कितना होगा ऊपर 30 आ जाएगा, नीचे ऐड कर लीजिए तो आपका हो गया कितना, ये हो गया आपका 20 यहाँ पे पॉइंट, और यहाँ हो गया 2 आपका, और ये आपका 3 हो गया। 32 से डिवाइड करेंगे आप तो आपका 0.90 आ जाएगा लगभग, इतना जो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपकी वैल्यू आ गई। मतलब ये कि मिक्सर में देखिए एक का है ज़्यादा और दूसरे का कम, तो जब मिक्स करेंगे तो इन दोनों के बीच में ही डेंसिटी आएगी, तो ज़्यादा वाले का कम होगा, कम वाले का ज़्यादा हो गया, तो दोनों मिक्स होकर 0.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये डेंसिटी आपकी आ जाएगी। तो आप लोग ध्यान से देख ले, इस तरीके से अगर आप मिक्सचर का पूछेगा तो टोटल क्या करेंगे, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम रख देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है देखते हैं, देखिएगा बल्क मॉडुलस जो होता है, अगर न्यूमेरिकल लगाना हो तो उसका कांस्टेंट और कोफिशियंट हम लोग को क्या है याद रखना पड़ता है। तो देखिए बल्क, अभी हमने यंग मॉडुलस का देखा है,
और बल्क मॉडुलस का कोफिशियंट क्या है, जब न्यूमेरिकल लगाना है इसकी नीड हम लोग को पड़ती है, तो जब नीड पड़े तो इसका मतलब उसको हमें याद रखना पड़ेगा। तो देखिए टेबल के जो है, इस टेबल से हम लोग उसको जान लेते हैं क्या है। देखिए क्या मटेरियल है और यहाँ बल्क मॉडुलस है, बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब बीटा भी बोला जाता है, 10^9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट होती है। तो देखिए ब्रास का जो होता है बल्क मॉडुलस कितना होता है 61, और सब में हम लोग जब वैल्यू लिखेंगे तो हमेशा 10^9 से मल्टीप्लाई होगा। तो ब्रास का कितना हो जाएगा 61 10^9, निकल का कितना होता है 260 10^9 होगा, वाटर का होता है 2.2 और 10^9, एल्यूमिनियम का कितना होगा 72 10^9, कॉपर का कितना होगा 140 10^9, आयरन का कितना होता 100 10^9, स्टील का कितना होगा 160 10^9, ग्लास का कितना होगा 37 10^9, और एथेनॉल का 0.1। इसका मतलब ये है एथेनॉल का कितना होगा 0.1 हो गया, और उसके बाद क्या है कार्बन डाइसल्फाइड का होता है 1.56 10^9, ग्लिसरीन का होता है कितना 4.76 10^9, मरकरी का होता है 25 10^9, और लास्ट में होता है हमारा एयर का सबसे कम होता है 1 × 10⁻⁴, और दूसरे नंबर पे आपका सबसे कम एथेनॉल का होता है, और सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो आपको निकिल का मिल जाएगा। फर्स्ट नंबर पे सबसे हाईएस्ट किसका है तो निकल का होगा, सबसे हाईएस्ट 1 नंबर पे, ठीक है। और सेकंड नंबर पे अगर आप जाते हैं तो आपको मिल जाता है कितना, ये कॉपर का है सेकंड नंबर पे, है ना। और स्टील का देखिए, स्टील का सेकंड नंबर पे होगा, स्टील का सेकंड नंबर पे, कॉपर का थर्ड नंबर पे, ठीक है। इस तरीके से आप वैल्यू को याद रखनी है। उसके बाद आपका देख ही रहा है कि 100 आपका बन गया, आयरन का 100 हो गया फोर्थ नंबर पे। तो ये आपको नंबर क्या, आपको एक तरह से ये आपको पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ लेना है कि आपको सबसे ज़्यादा बल्क मॉडुलस किसका होगा, सबसे ज़्यादा कंप्रेस कौन हो सकता है, तो ये देखा जाएगा। तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेशन लगा सकते हैं, और इसका जब न्यूमेरिकल लगेंगे इसका यूज आएगा, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। इसलिए मैं आपको टेबल लिख के दे रहा हूँ कि आप लोग याद कर लीजिए, और कहीं पर इसको एक फाइल में कहीं पर अपनी कॉपी नोट कर लीजिए, जिससे आपको यूज आए तो आप एक जगह इसको पा जाए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आइए जो है देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड जो है हम लोग थ्योरी कर लिए हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल में अभी हम लोग लग रहा है एक दो न्यूमेरिकल के न्यूमेरिकल नहीं किएंगे, तो उन न्यूमेरिकल के लिए हम लोग को कुछ कोफिशियंट और कुछ वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। तो किस किस की ज़रूरत पड़ जाती है, आइए हम लोग उसको क्या करते हैं टेबल में करके याद कर लेते हैं, उसके बाद तब करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड हमने पढ़ा है, तो उसमें यंग मॉडुलस बल्क मॉडुलस अब क्या है रिजिडिटी होती है। इसका मतलब इसकी वैल्यू अगर हमको पता है तब तो हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो ये है सब्सटेंस और ये है उसका यंग मॉडुलस एल्यूमिनियम। देखिए ये सब्सटेंस है, सब्सटेंस को एल्यूमिनियम का जो यंग मॉडुलस होता है वो 70 और 10^9 कितना हो 9 न्यूटन पर मीटर, मतलब ये जो वैल्यू दिया उसमें 10^9 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो एल्यूमिनियम का जो यंग मॉडुलस होता है 70 × 10^9 होता है, कॉपर का जो हमारा यंग मॉडुलस है वो 110 × 10^9 होता है, आयरन का जो है 190 × 10^9 कितना 9 होगा, स्टील का कितना होगा तो 200 × 10^9 होगा, ग्लास का कितना होगा तो 65 × 10^9 होगा, उसके बाद कंक्रीट का 30 × 10^9 होगा, वुड का लकड़ी का जो होगा वुड का कितना होगा तो 13 × 10^9 होगा, बोन का हड्डी का कितना होगा तो 9 × 10^9 होगा, और पॉलीस्ट्रीन का जो होगा 3 × 10^9 होता है। तो सबसे ज़्यादा आपने देखा कि यंग मॉडुलस आपका सबसे ज़्यादा होता है स्टील का, किसका होता है सबसे ज़्यादा यंग मॉडुलस होता है स्टील का, और उसके बाद होता है आयरन का। तो फर्स्ट नंबर पे स्टील और सेकंड नंबर पे आयरन, देखिएगा फर्स्ट नंबर पे स्टील, सेकंड नंबर पे आयरन, और थर्ड नंबर पे आपका मिल गया कितना कॉपर, थर्ड नंबर पे कॉपर,
यहाँ पे जो है उसकी बात हो रही है। और फोर्थ नंबर पे आपका हो गया एल्युमिनियम और फिफ्थ नंबर पे आपका हो गया कितना तो ग्लास हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और डायरेक्टली ये वैल्यू अगर याद रखेंगे, जैसे आपको बोले जाएगा यंग मॉडल्स स्टील का कितना होगा तो आप बताएंगे 210^9। ठीक है, अगर अगला बोला जाएगा कि आपका कॉपर का कितना होगा, आयरन का कितना होगा, तो 190 हो जाएगा 10^9 कितना 9। उसके बाद आयरन कॉपर का बोला जाएगा तो 110। फिर उसके बाद आपको बोला जाएगा किसका, एल्युमिनियम का। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे तब न्यूमेरिकल लगा सकते। अगर न्यूमेरिकल में जो क्वेश्चन होगा उसमें नहीं दिया होगा, तब दिया होगा तो कोई बात नहीं, आप देख के लगा। ठीक है, चलो अली आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर आपका जो है सेकेंड पार्ट से लिए हैं, तो एक्सपेरिमेंट नंबर जो भी है वो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए क्या हम लोग को फाइंड करना है। तो प्रिज्म का क्या करना है, मिनिमम डेविएशन निकालने का जो ऑब्जर्वेशन है वो है। तो हम लोग आपके सब जो है वन बाय वन करा दिया, वन बाय वन करके करा। तो देखिए क्या है, टू डिटरमाइन, ये जो यहाँ पे थोड़ा लाइटिंग है, टू डिटरमाइन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ गिवन प्रिज्म, मतलब टू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना है किसका, प्रिज्म का यूज करके एंगल ऑफ क्या है मिनिमम डेविएशन को हम लोग को फाइंड करना, किसका यूज करके, प्रिज्म का यूज करके। ठीक है, तो देखिएगा क्या है, सबसे पहले इंसिडेंट लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, लाइट थोड़ा जला देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एंगल चेंज करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा दिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्या है थोड़ी सी वैल्यू आपको दिक्कत करी, अभी मैं दिखाता हूँ तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए इंसिडेंट कितना होगा। तो लिखा है एक्सपेरिमेंट क्या, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ गिवन प्रिज्म, ऑब्जर्वेशन टेबल है, सीरियल नंबर वन है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंट हम लोग प्रिज्म के लिए कितना लेंगे, 30 डिग्री लेंगे, तो यहाँ पे जो आएगा वो 47 डिग्री आएगा। ठीक है, 30 पे जो डेविएशन होगा वो कितना डिग्री आएगा, 47, और 35 पे कितना आएगा तो 50 जो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 40 पे कितना आएगा तो 41 आएगा, 45 पे जो आएगा वो 45 आ जाएगा, 50 कितना आएगा तो 50 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 30 पे 47, 35 पे 50 आ गया, 40 पे 41 आ गया, 45 पे 45, और 50 पे कितना गया, 50 आ गया। तो आपने देखा कि सबसे पहले अगर ग्राफ की बात करें, इसी में से ग्राफ अगर प्लॉट करें तो देख रहे हैं लोग, तो सबसे पहले क्या है, जब एंगल कम है, ठीक है, तो जब एंगल कम है तो यहाँ से हम लोग का ऐसे ग्राफ आएगा, एक तरफ ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ग्राफ आएगा, ग्राफ उस तरीके से प्लॉट हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जब एंगल क्या है यहाँ पे कम का मतलब जब एंगल सबसे कम है यहाँ पे मान लें हमने 30 ले लिया, ये एंगल हमारा 30 है तो ये 47 होगा। ठीक है, जैसे ऐसे एंगल बढ़ेगा, जब एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू यहाँ से क्या होगी हमारी, यहाँ से जो वैल्यू इस तरह से कहेंगे तो वैल्यू हमारा एंगल बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे 35 होगा तो थोड़ा सा और बढ़ा, मतलब यहाँ से ऐसे ऊपर चलेगा ऐसे इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ मान लीजिए इतना आ गया, फिर और ऊपर बढ़ा, तो अब देख रहे हैं तो हमारा जो वैल्यू है एंगल बढ़ेगा, जब यहाँ एंगल आएगा यहाँ पे कितने पे आएगा, 40 पे, तो ये 41 अब डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो डिक्रीज वाला क्या होगा, इस तरफ से दिखाएंगे, एंगल बढ़ेगा तो आपका जो ग्राफ आएगा इस तरीके से ऊपर से नीचे, मतलब जब एक बार क्या होगा ग्राफ में क्या होता है, इस तरीके से पैराबोला होता है। ठीक है, पैराबोला होता क्या होता है, तो यहाँ से क्या होगा एंगल ज्यादा है तो क्या होगा ऊपर से नीचे की तरफ होगा, एक कंडीशन आएगा फिर इस तरफ बढ़ेगा, तो इस तरीके से पैराबोला बन जाता है। तो 30 से 47, 35 से 50 और 40 से 41 होगा, 45 से 45 और 50 पे आपका 50 आ गया, और ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपका ग्राफ मिल जाए, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा लाइटिंग सही करके आपको दिखा देता हूँ, एक बार वैल्यू एक बार ठीक से देख लिए क्या है। टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ गिवन प्रिज्म, फिर ऑब्जर्वेशन टेबल है, सीरियल नंबर है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ क्या है
आपका रिफ्लेक्शन है मतलब डेविएशन है, और वैल्यू मैंने दो बार इसलिए लिखी कि आपको पता चल जाए कि 30 पे कितना 37। इस तरीके से आपको क्या होगा, कोई डाउट होगा तो ऑब्जर्वेशन टेबल आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए बस ऑब्जर्वेशन टेबल करने के लिए, अगर आपको पिछली वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हैं, जिसमें आपको एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा। आइए जो है आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर सेकंड है। सेकंड क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो क्लास 11 फिजिक्स का जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड हम लोग आज पढ़ते हैं, तो ठीक है। तो आइए जो है, पिछली वीडियो आप लोग अगर नहीं देखी है तो आप लोग पिछली वीडियो जो है जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो पिछली जो मैंने आपका करा दिया है कौन सा, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड करा दिया है, ठीक है। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टी हम लोग फ्लूइड पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में। तो देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में क्या होता है, दो टाइप का होता है। क्या होगा, स्टैटिक फ्लूइड होता है और एक होता है डायनेमिक फ्लूइड, ठीक है। क्या होता है, स्टैटिक फ्लूइड होता है और डायनेमिक फ्लूइड होता है। देखिए, तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद स्टडी ऑफ फ्लूइड इज नोन एज फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। जिस ब्रांच के अंदर जो है फ्लूइड का स्टडी किया जाए उसको फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। उसका नाम ही फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। क्या नाम है, फ्लूइड मैकेनिक। और फ्लूइड मैकेनिक में दो होता है, स्टैटिक फ्लूइड और डायनेमिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड क्या होता है, द ब्रांच ऑफ फ्लूइड डील विद स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट कंडीशन। एट रेस्ट कंडीशन इज नोन एज स्टैटिक फ्लूइड, ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद द स्टडी ऑफ क्या होगा, फ्लूइड एट रेस्ट कंडीशन इज नोन एज स्टैटिक, क्या है, स्टैटिक फ्लूइड। और द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद द स्टडी ऑफ मोशन एट डील विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट मोशन इज नोन एज डायनेमिक फ्लूइड। मतलब कि जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है, तो फ्लूइड जो है दो पार्ट में बढ़ गया। तो जिस ब्रांच के अंदर हम लोग फ्लूइड का स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक में दो होता है, एक स्टैटिक एक डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब है जब हम लोग क्या करें, कोई फ्लूइड है जिसका स्टडी करें रेस्ट कंडीशन में, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक फ्लूइड। और जब क्या करते हैं, उसी फ्लूइड को हम लोग क्या करें, मोशन की कंडीशन में अगर स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक फ्लूइड। तो हम लोग का जो 11th चैप्टर है, वो 11th में जो चैप्टर है उसमें दो पार्ट में है, स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है। वो कहीं दिया नहीं है, तो स्टैटिक में हम लोग पढ़ना और फिर डायनेमिक पढ़ना। स्टैटिक का मतलब अगर हमारा वाटर या लिक्विड या फ्लूइड क्या है, अगर रेस्ट कंडीशन में रख के अगर देखा जाए, जैसे टैंक में पानी हो, ठीक है, उसमें कुछ डाल दे, तो इस कंडीशन में हमारा जब देखेंगे तो हमारा आ जाएगा आपका, तो स्टैटिक में आएगा, ठीक है। आया, चलिए। तो अगला जो इसमें टॉपिक है वो हम लोग का है क्या, प्रेशर है, मान लिया थ्रस्ट है। क्या है, थ्रस्ट, ठीक है। थ्रस्ट क्या होता है, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, ठीक है। क्या होगा, थ्रस्ट क्या होता है, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज नोन एज थ्रस्ट, ठीक है। अपवर्ड एक्ट अगर क्या करेंगे, थ्रस्ट का मतलब नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा किसी बॉडी पर, तो उसको हम लोग बोलेंगे थ्रस्ट बोलेंगे, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर, ठीक है। नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन द बॉडी इज नोन एज, क्या होगा, प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन द बॉडी इज नोन एज प्रेशर, ठीक है। आया समझ में, क्या होता है, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन द बॉडी इज नोन एज, क्या होगा,
प्रेशर। इसका मतलब है नॉर्मल फोर्स लगेगा किसी बॉडी पे, थ्रस्ट बोलेंगे, और नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया या नॉर्मल फोर्स क्या होगा पर यूनिट एरिया पे जब लग जाएगा तो प्रेशर होगा। तो प्रेशर इक्वल टू पी से, प्रेशर को पी से दिखाते हैं और फोर्स को एफ से, अपान यहाँ क्या होगा एरिया हो गया। तो अगर यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। क्या यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या तो इसी को क्या लिखते हैं पास्कल लेते हैं पास्कल, या तो अगर सीजीएस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ग्राम, क्या लिखेंगे डाइन, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इतना, तो ये हो गया यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल बोलेंगे या डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, ये प्रेशर की यूनिट है, ठीक है। आया समझ में, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए प्रेशर की यूनिट क्या है और कैसे हम लोग इसको, तो प्रेशर इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टार्टिंग का जो टर्म आता है वो इस तरीके से टर्म हम लोग को पढ़ना है। तो आइए अब आगे हम लोग, प्रेशर है आगे इसको इरेज करते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब प्रेशर के बाद देखिए इसमें क्या आ सकता है हमारा, डेंसिटी, क्या होती है डेंसिटी होती है, डेंसिटी, डेंसिटी को किस नोट करते हैं रो करते हैं। डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी होता है मास अपान वॉल्यूम, इसका मतलब डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम आर, इसको और क्या लिख सकते हैं, या लिखेंगे एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट क्या होगा हैवियर देन, एनी ऑब्जेक्ट हैवियर देन अदर ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट जो है कितना भारी है दूसरे ऑब्जेक्ट से वही उसकी क्या होती है डेंसिटी होती है। तो रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू इनोनर क्या होगा डेंसिटी होगा। तो डेंसिटी को अगर रो से डिनोट करेंगे तो मास अपन क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, तो केजी वॉल्यूम है पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है ऐसे, या तो क्या लिखेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, ठीक है ऐसे इस तरीके से। तो कितना होगा, इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट हो कोई बॉडी हो दूसरे बॉडी से कितनी हैवी हो उसका मतलब यही उसकी क्या हो जाती है डेंसिटी हो जाती है, या बताएंगे द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, या कहेंगे एनी ऑब्जेक्ट हैवियर देन द अदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज डेंसिटी। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा मास अपान वॉल्यूम, क्योंकि ऊपर वाला याद रखेंगे फार्मूला याद हो जाएगा मास अपान वॉल्यूम, इसकी यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये इस तरीके से, ठीक है। तो आइए देखिए इसी में अगला हम लोग का रिलेटिव डेंसिटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी होती है आर लिख सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। तो रिलेटिव डेंसिटी देखिए क्या होता है, जब कंपेरिजन किया जाता है रिलेटिव डेंसिटी का तो हम लोग को क्या लिखते हैं द रेशियो ऑफ क्या होगा डेंसिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्या होगा रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट कितना होगा 4 डिग्री सेल्सियस। अगर हम लोग फार्मूला देखेंगे रिलेटिव डेंसिटी का तो यहां लिखेंगे डेंसिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस अपान डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है इस तरीके से।
और डेंसिटी की क्या होगी, ये क्या है यूनिटलेस है, क्या होगा यूनिटलेस डेंसिटी, जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो क्या होती है यूनिटलेस होती है। क्यों यूनिटलेस होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी में जब डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये यूनिटलेस हो जाता है। तो आप लोग देखें कि हाँ यहाँ पे सच में यूनिटलेस हो जा रहा है, तो ये आपका आया समझ में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते इसी क्रम में। ओके देखिएगा ऑब्जर्वेशन टेबल जो है, हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट सेवन है, सेवन एक्सपेरिमेंट क्या है तो सबसे पहले देख लेते हैं टू कन्वर्ट। देखिएगा एक्सपेरिमेंट हमारा जो सेवन बी है, सेवन बी का एक्सपेरिमेंट देखिए क्या है, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ गिवन रेंज। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं आपने जो है पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो पिछली वीडियो आप ध्यान से देख लीजिएगा, तो कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे कनेक्शन करना है, कैसे जोड़ना है, तो आपने देख लीजिएगा। तो कैसे कनेक्शन करना, कैसे जोड़ना है, तो आप समझ जाएंगे। तो अगर आपको समझ गए तो आप पिछली वीडियो देखिएगा, हम यहाँ पे सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। तो देखिए ऑब्जर्वेशन टू कन्वर्ट इनटू वोल्ट गिवन है, ऑब्जर्वेशन टेबल है, कन्वर्ट क्या है मेन क्या है सेल में, वोल्टमीटर की रीडिंग डायरेक्ट लेंगे 1.5 और यहाँ पे क्या करेंगे उसको गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर बदलने के हम लोग क्या करते हैं इसमें डिवीजन लेंगे और एक जो है रेजिस्टेंस बॉक्स से क्या करेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स से मैनेज करेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी कितनी 2000 ओम। यही 2000 ओम पे क्या होता है मैनेज जाता है, उसके बाद 2000 ओम पे हम लोग देखते हैं V2 की वैल्यू। तो और यहाँ एरर, तो जब हम लोग गैल्वेनोमीटर में रीडिंग देखते हैं 1.5 आया, ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या करेंगे तो इसमें गैल्वेनोमीटर हम लोग देखते हैं कितना डिफ्लेक्शन चलाता है 15 और गैल्वेनोमीटर का जो हमारा वो है लीस्ट काउंट 0.1 है और इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो 1.5 वोल्ट आ गया। फिर V1 ये है V2 दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 0 आ गया, तो सही बता रहा। फिर दूसरी बार क्या करते हैं गैल्वेनोमीटर की रीडिंग हम लोग देखते हैं कितना आता है 2 आता है और इसमें कितना 20 डिवीजन आ गया और उसके लिए डिस्काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर देखेंगे B1 और B2 का डिफरेंस करेंगे तो 0 एरर है, मतलब सही है। फिर थर्ड में देखते हैं हम लोग सेट करते हैं गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग हो गया कितना आ गया 3 आ गया। 3 का मतलब ये क्या है वोल्टमीटर में 3 है गैल्वेनोमीटर में 3 लाइन 30 लाइन से ज़्यादा होनी थी, ये लास्ट हो गया और यहाँ पे 0.1 और ये पर हम लोग का 30 आ गया, तो देखिए हम लोग ये करेक्ट आ गया, तो एरर नहीं है और वैल्यू करेक्ट ले रहा है। तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर का जो रेंज होगा वो कितना है 0 से 3 जो है वोल्ट का रेंज हो गया। गैल्वेनोमीटर का रेंज क्या होगा 0 से 3 वोल्ट का रेंज हो गया और ये हम लोग ने देखा कि इस तरीके से वेरीफाई करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर को किस तरीके से वोल्टमीटर में हम लोग बदल सकते हैं। तो ऐसे आप बदल के और अमीटर में बदलने वाली पिछली जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 6 का है, तो देख लीजिए आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए कोई डाउट है थोड़ी सी लाइट की दिक्कत होगी तो मैं आपको जो है दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है आया समझ में। तो देख लीजिए आप देख लीजिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये आपकी रीडिंग होगी, तो आइए जो है देखिएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है जिसमें इस 7 में हम लोग क्या करते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल निकालना है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल क्या है कि टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर इन गिवन है, मतलब किसी जो है गैल्वेनोमीटर कोई गैल्वेनोमीटर हो तो देखिएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग पास क्या है कोई गैल्वेनोमीटर है, आपने जो अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक्सपेरिमेंटल नॉलेज एक्सपेरिमेंट में जाके पिछली वीडियो आप सबसे पहले उसको देख लीजिए कैसे जो है कनेक्शन है, कैसे उसकी रीडिंग लेती है, कैसे इसको जोड़ते हैं, फिर उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन टेबल क्या करिए डायरेक्ट फाइल में लिख सकते हैं। तो देखिएगा क्या है टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर गिवन रेंज,
टेबल फॉर रेक्टिफिकेशन सेवन एक्सपेरिमेंट सेवन ए सेवन बी इसके पहले करा था, तो सेवन ए भी क्या देखिए क्या है, सबसे पहले सीरियल नंबर है, हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले रीडिंग किसकी लेंगे तो अमीटर की रीडिंग डायरेक्ट ले लेंगे। तो जब पहले में क्या होगा, जब अमीटर की रीडिंग कितनी आ गई, जब उसको रेजिस्टेंस बॉक्स हम लोग उसको रेजिस्टेंस को क्या करते हैं सेट करते हैं, तो 0.5 जो है अमीटर की रीडिंग आनी। तो गैल्वानोमीटर में हमने देखा कि 5 डिवीजन दिया है और यहाँ से लीस्ट काउंट कितना 0.1 से मल्टीप्लाई किया 0.5, तो इधर देखिए 0.5 यहाँ पे 0.5 एरर 0 गया, मतलब दोनों करेक्ट है, जितना गैल्वानोमीटर से उतना अमीटर की रीडिंग है। फिर जब रीडिंग लेते हैं अमीटर से तो 1 आता है और गैल्वानोमीटर की रीडिंग हम लोग लेते हैं तो यहाँ कितना 10 डिवीजन हो गया और के से मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया 10 × 0.1 कितना हो गया 1 आ गया। तो जब देखते हैं यहाँ पर भी कितना 1 है और यहाँ पर भी 1 है तो एरर 0 हो गया, मतलब दोनों की वैल्यू सेम से मान। फिर जब तीसरी रीडिंग लेते हैं तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर रीडिंग अमीटर की डायरेक्टली 1.5 है, गैल्वानोमीटर में 15 डिवीजन गया, लिस्काउंट से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया तो 1.5, तो यहाँ पर यहाँ भी बराबर हो गया। फिर लास्ट हम लोग देखते हैं क्या फोर्थ में, तो रीडिंग जो है अमीटर की कितनी है तो 2 है, गैल्वानोमीटर में 20 डिफ्लेक्शन हुआ और यहाँ पर कितना हुआ लिस्काउंट से मल्टीप्लाई 2 आ गया और यहाँ पे एरर 0। इसका मतलब होगा गैल्वानोमीटर को अमीटर में हम लोग चेंज कर लिए इजीली और जो वायर लग गया उसमें जो वायर लगा था गैल्वानो, तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि वेरीफाई करके कि गैल्वानोमीटर को अमीटर में हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से रीडिंग लेके वेरीफाई कर लेते हैं, एरर भी नहीं है, ठीक है। तो एक एक करके रजिस्टेंस को हाई रजिस्टेंस निकाल के सेट करना होता है, तो वो आपने देखा है, अगर आप नहीं देखे पिछली वीडियो में जाके देख लीजिए और इसको फिल कर सकते हैं। तो जो हम लोग का वायर का लेंथ होगा ना तो लगभग 52 जो है हमारा सेंटीमीटर के वायर का लेंथ, ये डायमीटर हो रहा है, ये वायर का हमारा कितना है डायमीटर वायर का है 52 सेंटीमीटर लगभग, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए आपको समझ आ जाएगा, कोई डाउट नहीं। तो इस तरीके से अगर आप एक्सपेरिमेंट करके उसका ऑब्जर्वेशन टेबल नोट करते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा लाइटिंग दिखा देते हैं आपको और कहाँ पे जो है, तो आइए जो है देखिएगा ध्यान से। तो अगला जो एक्सपेरिमेंट है उसका जो ऑब्जर्वेशन टेबल है आपका क्या है टेबल, तो आप लोग ध्यान से देखें, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है। तो मीटर बीच का यूज करना है और आपको वेरीफाई करना है सीरीज पैरेलल जो है यूज करना है, सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस का यूज करना, किसका मीटर बीच का यूज करके। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 रेजिस्टेंस वायर लेंगे R1 और R2 और उनकी 3-3 रीडिंग लेंगे, जैसे हमने 1 पे ले लिया 1, 2, 3 है 0.1 पे 0.2 पे 1 पे, और दूसरा वायर दोनों के वायर की लेंथ अलग अलग होनी चाहिए, फिर एक बार क्या है 0.1 का 0.2 का फिर 1 का, उसके बाद दोनों को हम लोग क्या करेंगे सीरीज में करके, एक बार दोनों को सीरीज में करके 0.1 पर और 0.21 पे ले लेंगे और पैरेलल पे जोड़ के फिर 3 रीडिंग ले लेंगे, ठीक है। तो फिर देखिए क्या कैलकुलेशन हम लोग आता है, तो देखिए जब हम लोग क्या करेंगे दोनों वायर को पहले सिंगल वायर का लेंगे तो 3 रीडिंग ले लिया 1, 2, 3 0.1 पे 0.2 पे 0.1 0.2 पे और इसकी वैल्यू आ गई और यहाँ पे 56 यहाँ 44 सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले में रखते तो आपका 0.07857 में दूसरी वाली 0.458.5 इस फॉर्मूले में रखते सॉल्व करेंगे तो आपका आ गया 0.14017। फिर तीसरी 1 पे निकालेंगे ये आ गया इसको सॉल्व तो कितना है, फिर इन तीनों का जो वैल्यू है उसका मीन ही आ गया। फिर दूसरा वायर जैसे पहला वायर फिर इसको रख देंगे दूसरा वायर लेंगे, फिर दूसरा रेजिस्टेंस ये 1 पे निकालें पहली रीडिंग, दूसरी तीसरी पहली 0.1 पे 37.5 आ गया, दूसरी 0.2 पे 44.5 आ गया और 1 पे 49 और इसका जो वैल्यू आ गया 100%, ये अलग अलग हो गया। फिर इसमें फॉर्मूला रखते हैं, इस फॉर्मूले में रखते हैं तीनों वैल्यू 0.1667 0.2494 0.51010 और मीन निकालेंगे। फिर दोनों वायर हम लोग जो ऐसे जोड़ देंगे ऐसे,
और यहाँ प्लस पे यहाँ पे माइनस, वैसे डायरेक्ट, तो हमारी ये सीरीज की वैल्यू आ जाएगी, सीरीज रेजिस्टेंस, तो सीरीज भी निकलेगा तीन रेडियन 0.1 पे 0.2 के बाद पे, और यहाँ पे जो वैल्यू निकले 30.5 86.5 86.0 25.7.1 और ये इसका जो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ फिर इसका मीन एरिया 1.596 क्या 9। अब दूसरा हम लोग ऐसे जोड़ लेंगे इसको, ये पहले इसको जोड़ कर फिर उसके बाद गैलवान उसमें अमीटर में जोड़ेंगे, तो 1 to 3 रीडिंग लेना 0.1 0.2 पे और 1 पे, और इसका 30.5 और यहाँ 69.5 42.5 59.5 57.5 42.5 और यहाँ पे 0.226 0.27 ये तीनों इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर मीन ये लिखना है। तो ये हमने देखा कि हमारा मीन करने में आ गया। अब हम लोग को करना क्या है, इसके बाद इसको डायरेक्ट हमको क्या करना है, इसको ऐड कर लेना और ऐड करके देखना सीरीज में कितना आ रहा है और फार्मूले से लगाने कितना कितनी का डिफरेंस आ रहा है, यही हम लोग का वेरिफिकेशन हो जाता है। तो बिल्कुल जितना जो है हम लोग सीरीज में ऐड करेंगे तो उससे थोड़ा सा जो है कम ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो हम लोग जानते हैं जब दोनों को एक साथ है थोड़ी हीटिंग हो जाती है, हीटिंग में से वैल्यू सेम रहेगी, तो कितना है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अलग होगा ऑब्जर्व वैल्यू अलग होगा। तो आइए हम लोग उसको भी टेबल बनाते हैं, ठीक है आया सर, देख लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा अगर नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए, जो ना दिख रहा हो लाइटिंग वजह से तो उसको मैंने थोड़ा सेट करने की कोशिश किया है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए ऊपर से नीचे तक की वैल्यू पूरी पूरी दिख रही है। तो आप ऐसे ही फाइल में इसको क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं सीरीज और पैरेलल के लिए, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ना लास्ट वाला वैल्यू, तो आप लोग देख लीजिए ध्यान से। अब हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट 6 को जो है ध्यान से अगर आप लोग देख लीजिएगा, तो हम लोग जो है देखिए सभी एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, नॉलेज के लिए हमने एक एक ऑपरेटर्स को आपको दिखाया है, कनेक्शन दिखाया है, कैसे ऑब्जर्वेशन लेते ये भी दिखाया है। तो आप लोग को अगर ये सब नहीं पता है कैसे कनेक्शन करना है, कैसा ऑपरेटर्स देखने में है, किस टाइप का काम करता है, तो आप पिछली वीडियो में जाके एक्सपेरिमेंटल नॉलेज में या एक्सपेरिमेंट के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। पर यहाँ पर सिर्फ मैं क्या कराऊँगा, आपको ऑब्जर्वेशन टेबल फिल कराता हूँ, ठीक है। तो आप 1 by 1 ऑब्जर्वेशन टेबल जो अपनी फाइल में फिल कर सकते हैं। तो आइए देखिए क्या है एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है, क्या है, टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वानो, मतलब हम लोग को क्या करना है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करना, ठीक है, किससे, बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से, ठीक है। एंड फिगर ऑफ मेरिट भी निकालनी, मतलब हम लोग को रेजिस्टेंस निकालना है गैल्वानोमीटर का और फिगर ऑफ मेरिट। अब देखिए क्या है, क्या क्या ऑपरेटर्स लग जाता है, मूविंग कॉइल लगेगा एक, एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है जैसा आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स होगा और एक लो रेजिस्टेंस बॉक्स है। लेक्लांची फ्रेश सेल मैंने आपको बनाया है, अलग से सेल को बना के दिखाया है, अगर आपको नहीं पता तो आप पिछली वीडियो में जाके देख लिए कैसे बनता है, क्या इसमें पड़ता है, और टू वन वे की लगता है, तो टू वन वे की इसमें। तो इतनी ऑपरेटर अभी ऑब्जर्वेशन टेबल लिखते, तो देखिए गैल्वानोमीटर आपको दिखता कैसा, आपको मैंने एक एक पार्ट उसका खोल के भी दिखा दिया। तो देखिए एक मेरे पास थोड़ा सा गड़बड़ है, ये गैल्वानोमीटर आप देख रहे हैं, यही गैल्वानोमीटर यहाँ पे यूज करना है, इसका ये पता करना है गैल्वानोमीटर का जो है कि इसके अंदर कितना रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो ये गैल्वानोमीटर है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं ऑब्जर्वेशन, इतना समझ में आया, आइए ऑब्जर्वेशन टेबल को कंप्लीट करते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहले इसमें आपको समझ आ रहा होगा, इसमें जो फाइल है तो यहाँ पर क्या है, हम लोग अगर करेंट सेंसिटिविटी निकालते हैं, क्या करेंट सेंसिटिविटी, करेंट सेंसिटिविटी अगर निकालें तो हम लोग जानते हैं करेंट सेंसिटिविटी को IS से डिनोट किया जाता है, तो थीटा अपान, देखिए क्या लिखते हैं, करेंट सेंसिटिविटी निकालते हैं तो थीटा अपान क्या कर लेते हैं हम लोग, तो हम लोग जानते हैं I जो करेंट होता है उसकी करेंट सेंसिटिविटी ये हो जाती है करेंट सेंसिटिविटी। तो आइए ऑब्जर्वेशन कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग थ्योरी तो लगभग पढ़ ही लिए बहुत ढेर सारा, तो आइए ऑब्जर्वेशन करते हैं जिससे आप फाइल में डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो देखिएगा, तो हम लोग का ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गया है, क्या है ऑब्जर्वेशन टेबल, तो देखिएगा ऑब्जर्वेशन टेबल है आपका, ऑब्जर्वेशन टेबल में देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
हैवी रेजिस्टेंस बॉक्स से, सीरियल नंबर वन में क्या देखिए, ये क्या है रेजिस्टेंस बॉक्स से, ये गैल्वानोमीटर में क्या होगा डिफ्लेक्शन होगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जब कनेक्शन करेंगे तो सबसे पहले ये सेट करते हैं मैक्सिमम जितना हो सके, और क्या होगा ईएमएफ जो सेल होगा, क्या होगा ईएमएफ आप सेल जो होगा हमारा वाला जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड है वो कितना वन जो है बोल्ट का है, ठीक है। जो मैंने अभी बनाया है वो कितने का है वन बोल्ट का, आपको बना के मैंने दिखाया भी है। तो कितना बना है, क्योंकि वन है स्टार्टिंग में मेजर करेंगे वन आएगा, थोड़ा देर बाद थोड़ा सा बढ़ जाता तो थोड़ा सा अगर बढ़ता भी रहता तो ये ईएमएफ मैंने वन जो है बोल्ट मान लिया, ठीक है। तो देखिए क्या है, हाई रेजिस्टेंस से कितना हुआ, सबसे पहले 1000 जब क्या कर दिया 50 निकाला तो ये मैक्सिमम कहाँ पहुँच गया, गैल्वानोमीटर के 28 रीडिंग पे पहुँच गया। और यहाँ से मैंने तब संट वाले से 200 निकाला तो यहाँ पे कितना उसका हाफ पे आ गया 14 पे। और यहाँ पे जब इस फॉर्मूले में आर एस अपन आर एम एस, आर की वैल्यू हो गया रेजिस्टेंस बॉक्स ये वाला आर, और यस का मतलब हो गया 200 और आर माइनस यस के डिवाइड करेंगे तो आएगा 500, ठीक है। दूसरी रीडिंग क्या है, जब दूसरी बार मैंने सेट किया यहाँ 28 से क्या हो गया 226 पे लाया तो लगभग 1150 पे सेट हुआ, तो रेजिस्टेंस बॉक्स से 1150 पे हो गया। और यहाँ पे क्या है 26 पे सेट हो गया, और ये हो गया हमारा कितना दो दो करके हम लोग कम लेते जाते हैं, ये 200 रहा, यहाँ पे उसका हाफ 13 हो गया, और यहाँ पे सॉल्व किया तो 242 इसमें रख के 00 आ गया। तीसरी रीडिंग के लिए मैंने सेट किया 26 दो 22 पे आ गया तो 22 पे आ गया, तो ये 1400 पे सेट हुआ, यहाँ 200 हो गया, यहाँ पे 11 आ गया इसका हाफ, और इसमें रखा 233.3 आ गया। फिर उसके बाद लास्ट जो है 18 पे आ गया, ये 1800 हुआ, 200 यहाँ 9 यहाँ, और यहाँ पे 225.0 हो गया। और इसका मीन निकाल दिया 1 2 3 चार रीडिंग है तो मीन कितना आ गया 300.125 ओम। ये गैल्वानोमीटर का हमारा रेजिस्टेंस कितना 300.125, ये गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस है। तो आप लोग ऑब्जर्वेशन टेबल में फिल कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो सेल आप लिखिएगा वन बोल्ट का, नहीं तो डेढ़ बोल्ट भी लिख सकते, तो डेढ़ या वन हमारा वन है तो आप वन या डेढ़ लिख सकते। और ये कैलकुलेशन करके आपने सॉल्व किया 300.125, तो ये ऑब्जर्वेशन। अभी इसमें फिगर ऑफ मेरिट का भी ऑब्जर्वेशन टेबल है, तो आइए हम लोग फिगर ऑफ मेरिट का ऑब्जर्वेशन टेबल फिल कर लेते हैं इसी लगले, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं फिगर ऑफ मेरिट का ऑब्जर्वेशन बना लेते हैं, तो आइए देख लेते हैं। तो देखिएगा अगला जो ऑब्जर्वेशन है वो किसका, फिगर ऑफ मेरिट का ऑब्जर्वेशन है। तो देखिए अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करके अगर बाद में नहीं लिखते तो ये इतना टाइम में हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। वन वन करके, इसलिए वन वन करके एक टेबल में मैंने बना रखा है, उसको आपको लिख के दिखा देता हूं। तो देखिए क्या है, इसमें ऑब्जर्वेशन किसका, फिगर ऑफ मेरिट का ऑब्जर्वेशन है। इसमें सीरियल नंबर है, पिछले वाले में आपने देखा रेजिस्टेंस बॉक्स से हाई रेजिस्टेंस बॉक्स 1050 1150 1400 और 1800, ये आपने रेजिस्टेंस बॉक्स है। तो डिफ्लेक्शन कितना आया था 28 26 22 18। अब क्या करना है, ये फार्मूला होता है फिगर ऑफ मेरिट का के इक्वल ई अपान थीटा आर प्लस यस। तो ई क्या है सेल का ईएमएफ वन था, थीटा का जो है वैल्यू यहाँ से बारी बारी लेना है, आर की वैल्यू रेजिस्टेंस बॉक्स से आप देख ही रहे हैं कितना है, और ये एस क्या है, ये हमारा जो है रेजिस्टेंस बॉक्स से जो है जो हमारा ये एस की जो वैल्यू है वो कितनी है। तो यहाँ पे एस की वैल्यू जो ये लिए है ना, ये वाला जो एस है ये किसका एस है, तो हमारा आपका ये आ गया ये वाला यस है जो हम लोग रजिस्टेंस अभी पिछले वाले में गैल्वानोमीटर का रजिस्टेंस निकाला उसका ये यस की वैल्यू है। अब क्या करना है, इसमें रख देना, देखिए यहाँ पे एक बार फॉर्मूला मैंने लिखा 1/28 1050 + 300.125 है, इसको रख के और आपको बारी बारी से क्या करना है अलग अलग वैल्यू रख के डिवाइड कर देना। एक बार इसको लेके करना है तो आया 7.4 10^-4, फिर दूसरा 1150 26 पे रखेंगे सॉल्व करेंगे तो आपका 6.8-4 आ गया, और फिर उसके बाद 1400 पे रखेंगे तो आपकी वैल्यू आ गई 5.8 10^-4 आ गई, फिर आपका 1800 पे रखेंगे तो आपका ये मीन आपका आ गया 6.2 10^-4।
तो गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस आपका 300.125 ओम आ गया और मेरिट 6.2 10⁻⁴ एम्पियर पर डिवीजन हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता, आप नहीं जानते, तो आप नॉलेजेबल वीडियो आप जाके ऑब्जर्वेशन टेबल का देख लीजिए, एक्सपेरिमेंट का देख लीजिए, फिजिक्स प्रैक्टिकल का देख लीजिए, और ऑब्जर्वेशन टेबल में कराते चल रहा हूँ, आप इसको नोट करते चलिए फाइल में, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते इसी क्रम में। तो आइए जो है, तो देखिए ध्यान से, तो हम लोग जो है आज जो है आपका जो है एक्सपेरिमेंट सेकंड जो है, फर्स्ट का मैंने ऑब्जर्वेशन आपको बता दिया था, आपने नोट भी कर लिया है। तो सेकंड का जो है आज एक्सपेरिमेंट सेकंड का, जिसमें मीटर ब्रिज का यूज करके किसी अननोन वायर का हम लोग क्या निकालते हैं, रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी निकाल लेते हैं, तो वही हम लोग को एक्सपेरिमेंट करना है। और एक्सपेरिमेंट आप लोग पिछली वीडियो में जाके देख लीजिए, हर एक्सपेरिमेंट मैंने करा रखा है। तो आपको मैं सिर्फ आज ऑब्जर्वेशन टेबल बना के दिखाऊंगा और आपको डायरेक्टली कि ऑब्जर्वेशन टेबल नोट कर लेना है, ठीक है, आपकी फाइल के लिए। तो देखिए क्या है, टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर यूजिंग मीटर ब्रिज एंड हेंस फाइंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ इट्स मटेरियल। मतलब हमको क्या करना है, ये मैंने एम लिखा है या ये ऑब्जेक्टिव जो हमारा वो ऑब्जेक्टिव है, टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर, किसी गिवन वायर का हम लोग क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है, किसका यूज करके, मीटर ब्रिज का, एंड हेंस फाइंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, और मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप लोग ध्यान से देख लिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, सबसे पहले इसी का हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल वन बाय वन करके एक्सपेरिमेंट सेकंड और थर्ड इसी तरीके से हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट करेंगे। अगर आपको फुल वीडियो देखनी है, मतलब आपको अगर एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट देखना है, कनेक्शन देखना है, तो आप क्या करेंगे, तो पिछली वीडियो में जाके आप सब देख सकते हैं, फिजिक्स जो है नॉलेज में या फिजिक्स प्रैक्टिकल में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आइए जो है आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो देखिएगा, ये एक्सपेरिमेंट सेकंड नंबर है, तो क्या है, टू फाइंड द रेजिस्टेंस, और ये आपको देखिए फॉर्मूला लगता है पी अपान क्यू कर्ड एल वन अपान एल टू या एल अपान हंड्रेड मैस एल लगता है। तो लास्ट फार्मूला आता है आपका कितना, पी अपान क्यू आर अपान एक्स, तो यक्स इक्वल फाइंड होता है आर क्यू अपान पी से, तो यक्स इक्वल टू आर हंड्रेड मैस एल अपान एल। ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया, जो फिगर में भी आपको देखने को मिल जाएगा, आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आइए आगे देखते हैं क्या आपका, देख लीजिए तब तो देखिएगा ध्यान से। तो ये हमारा देखिएगा, तो आपका ऑब्जर्वेशन टेबल आपका फिल हो गया। तो देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे फिल हुआ है, तो सबसे पहले देखिएगा, टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर यूजिंग मीटर ब्रिज एंड हेंस फाइंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ इट्स मटेरियल। करना क्या हमको, सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 है, उसके बाद क्या करना है, रेजिस्टेंस बॉक्स से हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लोग जब आपको हमारी पिछली वीडियो हम देखेंगे, सबसे पहले मीटर ब्रिज की हम लोग बैलेंस कंडीशन चेक करेंगे। तो कनेक्शन के बाद लेफ्ट और राइट में टच करेंगे, अगर लेफ्ट में टच करते हैं तो एक डायरेक्शन में गैल्वानोमीटर फ्लक्चुएशन करेगा, और राइट में दूसरे डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर डिफ्लेक्शन हुआ, तो भी ये समझ जाइएगा कि जो कनेक्शन हुआ वो करेक्ट है। उसके बाद आपको क्या करना है कि रेजिस्टेंस बॉक्सेस कम से कम रेजिस्टेंस निकालना। तो जैसे मैंने क्या किया, पॉइंट में भी पॉइंट वन पॉइंट ऐसे होता, तो वन ओम का रेजिस्टेंस अगर आपने निकाला, तो आपको फिर क्या करना है, जॉकी से वायर पे स्लाइड करना है, जिस पे आपका गैल्वानोमीटर जीरो हो जाएगा। तो मान लीजिए 61 पे जीरो हुआ, तो 100 में से 61 सेपरेट 39 मिला, फार्मूला आर 100 माइनस एल अपान एल, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा ऊपर 39 और नीचे डिनोमीटर हो गया 61, आर की वैल्यू 1 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका इतना वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा जब आर की वैल्यू के रेजिस्टेंस बॉक्स से थोड़ा देर के लिए उसको बंद कर देंगे, क्योंकि वायर हीट हो जाएगा, फिर 2 ओम का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 67 पे चला जाएगा। उसके बाद 100 में से 67 सेपरेट में 33 बचा, फिर से यहां 33/67 और यहाँ पे 2 रख के सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आ गया 0.9850। फिर थर्ड कंडीशन में 5 निकाल दिया रेजिस्टेंस, पर थोड़ा थोड़ा देर बंद करके, क्योंकि हीट हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या होता है,
चेंज हो जाता है। तो 581 आ गया और यहाँ सब्ट्रैक्ट 19 आ गया, फिर इसमें रख के सॉल्व किया तो 1.728 आया, क्योंकि हीटिंग चालू है तो इसलिए देखिए वैल्यू बदल रहा है। फिर अगला है 10 ओम का निकाला, 85 आ गया और यहाँ पे दूसरे में 15 और यहाँ 1.764 हो गया। अब इसी का जो ये क्या है हम लोग का रजिस्टेंस है अननोन वाला, उसका मीन ले लीजिए। तो मीन का मतलब होगा इसका इसका सबको ऐड करके जितनी बार रीडिंग उससे डिवाइड करो, 1, 2, 3, 4 बार रीडिंग है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1.140275 ओम इतना आ गया। अब ये हो गया, अब इसमें हम लोग को क्या लेना था, लेंथ ऑफ वायर हमारा 42 सेंटीमीटर है तो जिसका जो होगा वो लिखेगा। तो लेंथ ऑफ वायर अगर आपको यही रीडिंग नोट करनी तो लेंथ ऑफ वायर 42 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर मीटर में चेंज करोगे 42 × 10⁻²² मीटर हो गया। डायमीटर जो वायर है उसका 0.52 मिलीमीटर है और इसका मतलब इसको अगर बदलना है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना पाई आर स्क्वायर एक्स अपान एल है तो पाई की वैल्यू आप रख के सॉल्व कर सकते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 रख दीजिएगा, आर की वैल्यू आपका डायमीटर है कितना हो गया पॉइंट कितना हो गया 30 पॉइंट जो है आपका 26 आ गया और 10 की पावर इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो कितना हो गया माइनस आपका 3 हो जाएगा और उसका आपको स्क्वायर कर लेना है और यक्स की वैल्यू ये वाली रखनी है 1 पॉइंट मान लीजिए आपने रख दिया 1.4 ही रख दिया या तो इसको करके आप क्या 1.5 रख दीजिए यहाँ पे और अपान यल कितना है आपका तो 42 × 10⁻²। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इस तरीके से आ जाएगा। तो अगर आपको जो है नेक्स्ट तो इसी तरीके से मैं लिखे लगातार आपके लिए जो है ऑब्जर्वेशन टेबल लाता रहूँगा। अगर आपको जो है पिछली वीडियो मतलब कैसे कनेक्शन करना है और कैसे क्या ऑपरेटर्स नहीं देखे हैं तो आपको उसकी पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट नॉलेज और एक्सपेरिमेंट वाले में। और यहाँ मैं आपको क्या करूँगा डायरेक्टली आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बता दूंगा जिससे आप फाइल में क्या करें अपना फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो ये हमारी रीडिंग है, रजिस्टेंस हो गया और यहाँ पर क्या ये वो सीरियल नंबर ये रजिस्टेंस निकाल दिया। यहाँ पर क्या है कहाँ पे जो है बैलेंस कंडीशन आया 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दे इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व किया ये आ गया, मीन ले लिया ये आ गया और यहाँ पे वायर का लेंथ 42 है और ये सेंटीमीटर मीटर में डायमीटर ये हो गया। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाले पाई आर स्क्वायर एक्स अपानियल एक्स की वैल्यू ये वाली रखेंगे, आर की वैल्यू डायमीटर है तो रेडियस लेके रखेंगे और एल से डिवाइड कर दिए तो ये आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आए। ओके ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा।